अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वैलेंटाइंस डे पे प्रापाई जो अपने बचपन का सपना देख रही थी जिसमें वो एक लड़के का हाथ पकड़ भाग रही थी पर गलती से उसे केक उड़कर उसके ऊपर गिर जाता है तो वो चिल्ला पड़ती है। इनफैक्ट ये उसके बचपन के वैलेंटाइंस डे की मेमोरी थी और उसे लगता है कि हर वैलेंटाइन पे उसका दिन हमेशा बुरा ही जाता है। तभी कुछ लोग आकर उसे वैलेंटाइन विश करते हैं तो वो खुश हो जाती है, बट वो लोग तो बाय मिस्टेक आ गए थे क्योंकि उन्हें तो किसी और लड़की को विश करना था। इससे तो प्रपाई को कन्फर्म हो जाता है कि वैलेंटाइंस डे उसके लिए डेंजर डे है। तभी उसे उसकी रूममेट वावा का कॉल आता है। इनफैक्ट वावा अपना पर्स रूम में ही भूल गई थी और वो उसे पर्स देने को कहती है तो प्रपाई उसका पर्स देने जाती है पर हर जगह उसे कपल्स ही नज़र आ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे। फिर हम हमारे हीरो पूपा को देखते हैं जो रनिंग कर रहा था बट गर्ल्स उसकी हॉटनेस देख चिल्ला रही थी। तभी उसके आगे फिजिक्स जीनियस पूपा पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि अगर वो राइट टर्न लेगा तो मोमेंटम बिगड़ने से उसे मुँह की खानी पड़ेगी और अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो अपने साथ साथ दो लोगों को भी लेके गिर जाएगा। इसलिए ही वो हाई जंप करके प्रपाई के ऊपर से कूद जाता है। सब उसे देख हैरान थे क्योंकि उसकी लैंडिंग बहुत बिंदास थी। प्रपाई तो हैरान थी कि वो सही सलामत कैसे बच गई। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। कुछ सेकंड्स के लिए तो प्रपाई पूपा का हैंडसम सा फेस देखती रह गई थी। वो भाग जाता है बट वो अभी भी स्माइली करे जा रही थी। फिर वो अपनी फ्रेंड वावा को उसका पर्स दे देती है पर वावा को इतना ड्रेसअप देख पूछती है अय हय डेट पे जा रही है क्या। तो वावा शर्मा कर उसे बाय कर चली जाती है। प्रपाई देखती है कि कुछ गर्ल्स पूपा को गिफ्ट दे रही हैं बट वो किसी का भी गिफ्ट नहीं लेता और उसे खड़ूस बोलकर जाने लगी थी बट तभी वो पूपा से टकरा जाती है। पूपा को लगता है कि प्रपाई उसे गिफ्ट देने आई होगी तो कहता है मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए और उसे आगे से हटाकर जाने लगा था। वो कहती है इसे क्या लगता है कि मैं इसे लाइक करती हूँ, देखने में भले ही अच्छा है बट है कितना खड़ूस। हमें पता चलता है कि पूपा फिजिक्स जीनियस के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन भी है और उसके रूममेट का नाम तार है जो इस ड्रामा का सेकंड लीड भी है। इनफैक्ट ता प्रपाई का फ्रेंड है बट प्रपाई ता को वन साइडेड लाइक करती है। वह तार की तरह अपना काम प्रपाई से करवाता था और वो फिर से उसे अपने शूट के लिए हेल्प करने बुलाता है। वो अपनी फ्रेंड के कहने पे तब तो मना कर देती है बट फिर उसकी हेल्प करने शूटिंग की जगह पे पहुंच जाती है। तभी देखती है कि पूपा ता को आई लव यू बोल रहा है पर ता कहता है सॉरी बट मैं तुझे सिर्फ अपना फ्रेंड मानता हूँ। तो प्रपाई को लगता है कि अच्छा इसी वजह से पूपा किसी लड़की का गिफ्ट नहीं ले रहा था क्योंकि ये गर्ल्स को लाइक नहीं करता और भाग जाती है। बट रियल में तो पूपा और ता एक्ट्रेस को शूट के लिए प्रैक्टिस करके दिखा रहे थे बट प्रपाई वॉज लाइक इतने लवर के कम थे जो आज बॉयज लव भी देखने को मिल गया। वैलेंटाइंस डे आई हेट इट। इनफैक्ट स्कूल टाइम पे वैलेंटाइंस डे पे जब वो ता को कन्फेस करने वाली थी तभी उसके फ्रेंड क्वांग ने उससे पहले ही ता को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर दिया था और ता ने भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था बट ये देख प्रपाई बहुत सैड फील करती है। ता प्रपाई को अपने फ्रेंड पूपा से मिलवाता है बट प्रपाई को तो पूपा के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो पूपा को गे समझ रही थी और उसे इनडायरेक्टली कंफर्ट करने लगी थी बट जीनियस पूपा को तो प्रपाई से ज़्यादा। प्रपाई के नाम पाई में इंटरेस्ट था जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 3.14। तार प्रपाई को शूट के लिए साइकिल चलाने को कहता है। वो मना कर रही थी पर उसके बार बार कहने पे मान जाती है। ता पूपा का बनाया गिफ्ट यूज़ करता है जो लड़के को लड़की को देना था। फिर ता के एक्शन बोलते ही प्रपाई उन दोनों की तरफ साइकिल बढ़ाती है बट दो लवर्स को देख प्रपाई को वैलेंटाइंस डे की बैड मेमोरीज याद आ जाती हैं जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था। पूपा पहले ही कैलकुलेट कर लेता है और भागकर जा उस लड़की को बचा लेता है क्योंकि उसके हाथ में वो गिफ्ट था बट बेचारी प्रपाई साइकिल समेत चारों खाने चित। पूपा को अपनी तरफ आते देख वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर वो तो उसके बजाय जाकर अपना गिफ्ट उठाने लगा था तो वो उसका गिफ्ट तोड़ने के लिए उसे सॉरी बोलती है। बट ता प्रपाई की चोट के बारे में पूछने के बजाय
शूट खराब करने के लिए उस पर गुस्सा करने लगा था, इसलिए वो जाने लगती है। तो ता प्रपाई की जगह वावा को वो रोल प्ले करने को कहता है। प्रपाई को जाते पूपा देख रहा था। इनफैक्ट प्रपाई एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने आई थी, बट वो ये बोलकर उसे मना कर देते हैं कि प्रपाई ने तो एडवर्टाइजिंग की बजाय अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन की थी। तो वो सैड होकर जा रही थी, तभी कुछ बाइक सवार उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं, जिससे उसके फिर से चोट लग गई थी। वो अपना बिखरा सामान उठाती है और अपने टूटे फ़ोन से ही ता को कॉल करती है, पर ता शूटिंग में बिजी था इसलिए पूपा उसका फ़ोन उठा लेता है। वो उसे बता रही थी कि क्या तुम मुझे लेने आ जाओगे, किसी ने मेरे बैग छीन लिया है। पर लोकेशन सेंड करने से पहले ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो वो रोने लगती है। तभी वहाँ कोई आता है, वो खुश होती है, पर वो तो ता की बजाय पूपा था, और उसे रोता दे कहता है अगर तुम अपने गंदे हाथ आइस पे लगाओगी तो इन्फेक्शन हो सकता है, और उसे हैंकी देने लगा था, पर उससे उसकी लिपस्टिक पे पैर रखा गया था। देन प्रपाई वाज लाइक मेरी लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक, मैंने तो इसे सिर्फ दो बार ही यूज़ किया था। वो कहता है हॉस्पिटल चलो, क्या तुम्हारी छोटी इस लिपस्टिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं घर जाकर इस पर मेडिसिन लगा लूँगी। तो वो उसे वेट करने को बोलकर एंटीसेप्टिक लेने चाहता है, पर एंटीसेप्टिक नहीं मिलता, तो वो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्स करके उसके चोट को वॉश करता है। उसे दर्द हो रहा था तो वो कस के उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसका थैंक यू करती है, बट ही वॉज लाइक ता बिजी था इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया, और पूछता है तुम ठीक हो। वो कहती है क्यों, अगर मैं ठीक ना होती तो क्या तुम मुझे उठा कर लेके जाते। बट वो कहता है नहीं, इससे एनर्जी वेस्ट होगी तो मैं कार बुक कर रहा हूँ। पर जब वो देखता है उसकी स्कर्ट फट गई, तो वो अपना बैग उतारकर प्रपाई को पकड़ने के लिए देता है। वो कहती है अरे मेरी चोट लगी है, तुम फिर भी मुझसे अपना बैग उठवा रहे हो। पर उसने तो बैग उसकी फटी स्कर्ट को कवर करने के लिए दिया था। जब प्रपाई को पता चलता है कि उसकी स्कर्ट फटी है, तो वो जल्दी से अपनी शर्ट नीचे कर लेती है और उसे उसका बैग वापस दे देती है। इधर तार रोमांटिक सीन की शूटिंग के लिए वावा को अपने कंधे पे सिर रखने को कहता है ताकि एक्ट्रेस को दिखा सके, बट वावा तो ता के करीब होकर बहुत अच्छा फील कर रही थी। प्रपाई अपने लिए न्यू फ़ोन लेने आती है, बट पूपा उसे फ़ोन सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम देता है। देन शी वॉज लाइक ये खड़ूस। ता को दूसरी गर्ल्स के साथ देख प्रपाई थोड़ा सैड होती है, बट ता उसकी चोट दे कहता है तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, एक तो पहले इतनी ख़राब दिखती हो, अब तो और भी बुरी लगोगी। प्रपाई को बुरा लगता है, बट वो उसकी बात सुने बिना ही वावा की हेल्प करने लगा था, और ऊपर से प्रपाई को बॉक्सेस उठाने का काम दे देता है। बट पूपा प्रपाई को रेस्ट करने को बोलकर खुद उसके बॉक्स उठा लेता है। रात में जब वो सब ड्रिंक गेम खेल रहे थे, तो प्रपाई देखती है कि उसके पकड़ने की वजह से पूपा के हाथ पे निशान बन गया, तो वो सॉरी बोलती है। वो कहता है इट्स ओके। ता वावा और प्रपाई को भी अपने साथ ग्रेजुएशन ट्रिप पे चलने को बोल रहा था। प्रपाई मना करने वाली थी, बट वो सबके सब उसे मेंटली फोर्स करने लगे थे। तभी पूपा कहता है ये सीनियर्स का ट्रिप है, तो जूनियर्स को हमारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्रपाई उठकर वहाँ से चली जाती है, पर फिर वावा के बार बार कहने पे प्रपाई ता को ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। इधर ता वावा और प्रपाई का वेट कर रहा था, बट वो दोनों तो लिफ्ट खराब होने की वजह से कुछ सेकंड्स लेट हो गई थी। वो दोनों 10 सेकंड लेट थी, इसलिए पूपा ता को कार चलाने को कहता है। कार को जाता देख वो दोनों पीछे भागते हैं, बट कार के अचानक रुकने से प्रपाई उसमें ठुक के गिर जाती है। देन ता वाज लाइक मेरी कार तो ठीक है ना, कहीं स्क्रैच तो नहीं मार दी, और फिर वावा की बैग रखने में हेल्प करने लगा था। बट प्रपाई को खुद से ही बैग रखता देख पूपा उसकी बैग रखने में हेल्प करता है। ता नोटिस करता है कि पूपा और प्रपाई उन दोनों का बैग सेम है। वावा और प्रपाई दोनों ही कार की फर्स्ट सीट पर बैठने को बोलने लगी थीं, तो पूपा प्रपाई को भी पीछे बैठने को बोलकर खुद कार की फर्स्ट सीट पर बैठ जाता है। प्रपाई को लगता है कि पूपा ता की वजह से जेलस हो रहा है, बट फिर प्रपाई को उल्टी होने लगी थीं, तो पूपा उसका हाथ पकड़ हेगो पॉइंट दबाने लगा था ताकि उसे कार में बैठ के उल्टी ना आए। ता भी पूपा से हेगो पॉइंट दबाना सीख कर प्रपाई का हेगो पॉइंट दबाने लगा था, जिससे प्रपाई का फाट हो जाता है, तो वो नाक बंद कर लेता है। जब वो पीछे बैठने लगी थी, तो पूपा उसे फ्रंट सीट पर बैठने को बोल देता है। वहाँ पहुँचकर ता सबको सबके बैग उतार के देने लगा था। प्रपाई के बैग का कीरिंग गिर जाता है,
बट वावा गलती से पूपा के बैग में वो कीरिंग लगा देती है और पूपा अपने बैग को प्रपाई का बैग समझकर उसे दे देता है। पूपा ने बीच पे जाने के लिए मना कर दिया था तो वो तीनों ही बीच पे चले जाते हैं। बट इधर पूपा देखता है कि उसके बैग में उसके सामान की बजाय कुछ और ही निकल रहा है, तो वो प्रपाई को उसका बैग वापस करने आता है, बट वो तो वहाँ पे नहीं थी। ता और वावा को साथ में देख प्रपाई को याद आता है कि स्कूल टाइम में भी ता उसकी बजाय क्वांग की ज़्यादा केयर करता था, तो वो सैड होती है। तभी पूपा आकर उसे उसका बैग देता है। वो कहती है, नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे वाले में तो कीरिंग था। वो कहता है, नहीं ये तुम्हारा ही होगा क्योंकि इसमें तुम्हारी ब्रा। तो वो हैरान होकर जल्दी उसे लेकर भागती है। फिर वो उसे उसका बैग वापस कर कहती है, तुमने कुछ और तो नहीं देखा। वो मना करता है। फिर वो अपने बैग में देख कहती है, तुमने कोई और चीज़ तो नहीं ली। वो कहता है, हाँ एक थी। वो कहती है, यू साइको, मेरी बिकनी वापस करो। वो कहता है, मैं तो कीरिंग की बात कर रहा था। वो कहती है, अच्छा तो वो कहाँ गई। ये मिल गई। पूपा की तो आंखें फैल जाती हैं पर फिर मुंह फेरता है। बट प्रपाई एम्बेरस होती है। वावा प्रपाई को कहती है, मैं ता को लाइक करती हूँ, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं उसे डेट के लिए पूछ लूँ। प्रपाई कहती है, हाँ मैं और ता तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वावा खुश हो जाती है। फिर टू बॉयज़ उन्हें गेम के रूल्स के बारे में बताने लगे थे कि जिसमें कपल्स के एक एक पैर आपस में बांध दिए जाएंगे और फिर उन्हें रनिंग करनी होगी। तो जो फर्स्ट आएगा उसे ब्लू रोज़ेस का बुके मिलेगा और जो सेकंड आएगा उसे लिमिटेड एडिशन की लिपस्टिक मिलेगी। तो अपने अपने पार्टनर्स चूज कर लो। वावा ता को अपना पार्टनर बनने को कहती है तो वो हाँ कर देता है। इसलिए ऑटोमेटिकली पूपा प्रपाई का पार्टनर बन गया था। प्रपाई जैसे ही पूपा को कस के पकड़ती है तो वो नर्वस होने लगा था। रेस स्टार्ट होते ही सब कपल्स जल्दी जल्दी भागने लगे थे। पूपा की बताई टेक्निक के अकॉर्डिंग वो दोनों सबसे आगे थे, पर तभी कांच छुपते ही प्रपाई गिर जाती है, जिसकी वजह से वावा और ता उनसे थोड़ा आगे हो गए थे, तो वो भी उठ के भागने लगते हैं। पूपा के कहने पे वो अपना पैर उसके पैर पे रख लेती है, पर फिर पूपा को याद आता है कि सेकंड प्राइज में लिपस्टिक मिलेगी, तो वो जानबूझ के स्लो चलता है, जिससे ता और वावा आगे निकल गए थे और बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आए थे पर वो दोनों सेकंड। प्रपाई के पैर में चोट लगी थी तो पूपा उसे अपने कंधे पर टांग कर ले जाने लगता है, पर ता ये देख लेता है। फिर वो उसकी चोट पे बैंडेज लगाता है तो वो उसका थैंक यू करती है। रेस में सेकंड आने की वजह से पूपा को लिपस्टिक मिलती है, पर वो बहुत खुश था और वो जैसे ही लिपस्टिक प्रपाई को देता है तो वो तो और भी ज़्यादा खुश होती है। वो पूछता है, गर्ल्स को लिपस्टिक क्यों इतनी पसंद होती है। वो कहती है, क्योंकि लिपस्टिक गर्ल्स का सीक्रेट हथियार होती है। और फिर लिपस्टिक लगाकर उसे फ्लाइंग किस करती है। पूपा तो हैरान था। वो कहती है, बिल्कुल लिपस्टिक की एडवर्टाइजमेंट लग रही है ना। पर उसे हंसी आ जाती है। वो कहती है, मैं ब्यूटीफुल बन के दिखा रही थी, फनी नहीं। पर उन दोनों को साथ में देख ता सैड होता है। डिनर करते टाइम जब पाई सॉस लेने जाती है तो ता को वावा के हाथों से खाता देख सैड होती है, और फिर कैन को उन्हें सॉस देने को बोलकर खुद वहां से चली जाती है। पर वहां पे तो पूपा बैठा था जो मेटियोर शावर देखने का वेट कर रहा था और कहता है, ऐसे हाथ करके देखने से ईजिली दिख जाता है। वो भी वैसी करने लगती है तो वो उसके फोरहेड पे हाथ रख के दिखाता है। प्रपाई मेटियोर शावर को देख विश मांगने लगती है, पर फिर उसे देख सोचती है, वैसे तो ये खड़ूस है पर जब स्माइल करता है तो क्यूट लगता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में प्रपाई को पता चलता है कि पूपा भी पहले उसी के होम टाउन में रहा करता था। इतने में वहाँ ता जाता है जो कहता है, तुम तो सॉस लेने गई थी ना, अगर किसी लड़के से ही मिलना था तो मुझे बता भी सकती थी। पूपा कहता है, हम तो यहाँ सिर्फ बातें कर रहे थे। पर प्रपाई कहती है, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बट वो तो मजाक उड़ाने लगा था कि तुम्हें पूपा की बातें कैसे समझ में आएंगी क्योंकि तुम्हें तो साइंस बिल्कुल समझ नहीं आती। प्रपाई उसे सॉरी बोलने को कहती है। वो उससे माफ़ी नहीं मांगता तो वो चली जाती है। पूपा कहता है, ता प्रपाई तेरी फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। तभी पूपा को अपने प्रोफेसर का कॉल आता है क्योंकि उन्हें उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आ गया था। प्रपाई अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। ता उसे रोकता है पर वो नहीं सुनती। तभी पूपा भी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ से जाने लगा था तो ता कहता है, वाह क्या कोइंसिडेंस है। प्रपाई कहती है, नहीं ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैं पूपा के साथ वापस जा रही हूँ, और उसे खींच कर ले जाती है।
प्रापाई को सैड देख वो उसे बातें करके मन हल्का करने को कहता है, तो वो बताती है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं अकाउंटिंग से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स को लगता है कि उससे मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे गिव अप करना पड़ा। स्कूल टाइम पे ता और कवांग डेटिंग करने लगे और मैं यूज़लेस बन गई। फिर जब वो सो गई थी तो वो उसके नेक पिलो लगा देता है, और वो गिरने वाली थी तो जल्दी से उसके क्लोज हो जाता है ताकि वो अपना सिर उसके शोल्डर पर रख ले। साइड में बैठा लड़का सोता सोता झूम रहा था। पूपा को लग रहा था कहीं वो प्रपाई के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए उसका सिर उधर की तरफ पटक देता है, जिससे वो उठ गया था। और वो लड़का तो पूपा के पीछे पड़ जाता है। देन प्रपाई वॉज लाइक, पूपा क्या ये तुम्हारे टाइप का है? वो बेचारा मना कर रहा था और जल्दी जल्दी में वहाँ से भागने लगता है, पर वो लड़का तो उसके पीछे पीछे। तो प्रपाई को हंसी आ जाती है। टीचर को पूपा का प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बट उनके पास प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, तो वो जाने लगता है। एक लड़की उनकी बातें सुन लेती है, इनफैक्ट वो पूपा की सीनियर है मीना, और वो पूपा को एक प्रोफेसर का फ़ोन नंबर देती है इंटरव्यू के लिए। वो पूपा में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी, बट वो तो सिर्फ काम की बातें करके चलता बनता है। इधर प्रपाई फैसला करती है कि अब वो ता को अपनी फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझेगी। तभी वावा आकर उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच पे चलने को कहने लगती है। पहले तो वो मना करती है, पर फिर उसके साथ वहाँ आ जाती है। वहाँ पे ता और पूपा अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। पूपा को स्कोर करता देख प्रपाई सोचती है, वाओ सो कूल, मुझे नहीं लगा था कि ये गे होकर इतना अच्छा खेलता है। वो दोनों जीत जाते हैं तो ता खुश होता है, पर जाकर प्रपाई की जगह वावा को हक करने लगा था और कहता है, प्रपाई तुम खुद से घर चले जाना, मैं वावा को छोड़ने जा रहा हूँ, तभी तो वावा का अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। इनफैक्ट ता और वावा डेटिंग करने लगे थे, तो वो कहती है, हाँ मैं चली जाऊँगी, वैसे भी मुझे एक काम है। पूपा ता से कहता है, तू और वावा कब से एक दूसरे को लाइक करने लगे? मुझे लगा था तू प्रपाई को लाइक करता है। वो कहता है, मैं और प्रपाई एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इसलिए सबको ये गलतफहमी हो जाती है, पर मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। पूपा देखता है कि प्रपाई बाहर बैठी है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, नहीं, और सोचती है ता की वजह से पूपा का भी दिल टूट गया होगा, और कहती है, तुम भी मेरी तरह बहुत सैड होंगे, तो चलो हक करते हैं। बट पूपा शर्मा कर जाने लगता है। तभी बारिश होने लगी थी, तो वो कहती है, सही है, अब कोई भी मुझे रोते हुए नहीं देख पाएगा, और बारिश में ही जाने लगती है। पर पूपा आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है और फिर उसे अम्ब्रेला देकर खुद भागने लगा था, तो वो कहती है, रुको तुम भीग जाओगे, कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। तो वो उसे लेकर अम्ब्रेला खुद पकड़ लेता है। बारिश बंद होते ही वो कहती है, रेनबो नहीं है, सुना है रेनबो फिर से स्टार्टअप करने का गुड साइन होता है। तो वो उसे प्रिज्म निकाल कर देता है जिससे रेनबो दिख रहा था। तो वो कहती है, जब भी मैं सैड होती हूँ तुम हमेशा मेरी हेल्प करने आ जाते हो, तो मुझे फील होता है कि जो मेरे साथ हुआ वो इतना भी बुरा नहीं था। वो उसे प्रिज्म रखने को देकर कहता है, तुम कभी भी स्टार्टअप कर सकती हो। तो वो उसे थैंक यू करती है। प्रपाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तो मॉम उसे फ़ोन कर होम टाउन वापस आने को कहती हैं ताकि वो उसे एक अच्छी सी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब दिलवा देंगी, पर प्रपाई मना कर देती है क्योंकि वो तो अपनी काबिलियत से ही जॉब ढूंढना चाहती थी, वो भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में। पूपा मीना के बताए प्रोफेसर से मिलने आता है, और मीना भी वहीं पर अपना प्रोजेक्ट कर रही थी। प्रोफेसर को उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है, तो वो उसे ऐसे असिस्टेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर प्रपाई लाइब्रेरी में बैठी स्टडी कर रही थी, और वो अपने पास वाली सीट पे किसी को भी नहीं बैठने देती क्योंकि वो अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। पर लाइब्रेरी में कहीं पे बैठने की जगह नहीं थी, तो पूपा उसके पास वाली सीट पे आकर बैठ जाता है और देखता है कि प्रपाई सो रही है, तो वो अपने हैंकी से उसकी लार साफ करने लगा था, पर वो उठ जाती है तो कहती है, मैं तुम्हारा हैंकी धोकर वापस कर दूंगी। वो कहता है, नहीं मैं खुद से धो लूँगा, वैसे भी तुम इसे सही से साफ नहीं कर पाओगी। देन प्रपाई वॉज लाइक, व्हाट? प्रपाई की कैलकुलेशन गलत हो रही थी, तो पूपा एकदम उसकी गलती बता देता है। तो वो कहती है, वाओ तुम तो सही में जीनियस हो, और उससे और भी क्वेश्चंस पूछने लगी थी, तो वो उसे समझाने लगता है। गर्ल्स ये देख हैरान थी कि पूपा प्रपाई की हेल्प कर रहा है, वैसे तो वो कभी किसी से बोलता भी नहीं है। तो वो जानबूझकर एक एक कर पूपा से अपनी हिस्ट्री प्रॉब्लम्स पूछने लगी थी। देन पूपा वॉज लाइक, मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। प्रपाई सोचती है,
गर्ल्स तुमसे फ्लर्ट कर रही हैं, तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता होगा ना। और जानबूझकर उनके सामने उससे साइंस के कंसेप्ट पूछने लगी थी जो उन गर्ल्स की समझ से बाहर थे, तो वो उठकर चली जाती हैं। फिर उसे भूख लगने लगी थी तो वो उसे साथ में डिनर करने को कहती है। पूपा मना करता है पर वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाती है। प्रपाई बहुत सारी स्पाइसी डिशेस ऑर्डर कर लेती है पर पूपा स्पाइसेस नहीं खाता, इसलिए सिर्फ बॉयल फिश ऑर्डर करता है। प्रपाई जिस खाने को मज़े लेकर खा रही थी पर पूपा को उसमें से बदबू आ रही थी। जब वो उसकी फ़िश लेने लगती है तो वो उसे खुद से देता है क्योंकि उसकी चॉपस्टिक झूठी थी। प्रपाई उसे भी स्पाइसी खिला देती है तो वो जल्दी से बाहर थूक देता है। ता उन दोनों को साथ में डिनर करते देख लेता है और वावा को भी फ़ोन कर वहीं पर डिनर पर बुला लेता है। तभी वहाँ एक बच्चा फ्लावर बेचने आता है तो ता एक एक रोज़ पाए कर वावा को दे देता है। पर फिर प्रपाई को देख वो एक और फ्लावर बाय कर प्रपाई को देने लगता है। वो नहीं ले रही थी तो कहता है, गुस्सा मत हो, ले लो। पूपा नोटिस करता है कि फ्लावर के पॉलन प्रपाई के नाक में जा रहे हैं और वो कुछ अजीब रिएक्ट कर रही है, तो पूपा उस फ्लावर के साथ साथ वावा को फ्लावर भी ले लेता है। सब हैरान थे पर वो जाने लगा था। और फिर ता से कहता है, क्या तुझे नहीं मालूम था कि प्रपाई को पॉलन से एलर्जी है। ता कहता है, नहीं पर तुझे कैसे पता चला। पूपा कहता है, तुझे हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना सीख लेना चाहिए। प्रपाई को न्यू जॉब का ऑफर आया था पर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का नहीं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। पर मॉम उसे होम टाउन वापस आने को कहने लगी थी तो वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं मॉम, मुझे बैंकॉक में ही जॉब मिल गई, मैं होम टाउन वापस नहीं जाने वाली। फिर वो शिफ्ट होने के लिए रेंट पे रूम ढूंढने लगती है पर उसे कोई भी रूम पसंद नहीं आता क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी निकल रही थी। और फिर वो पूरी बात अपनी फ्रेंड वावा को बता ही रही थी जो वहीं पे बैठी एक लेडी सुन लेती है और उसे कहती है, तुम्हें रूम रेंट पे चाहिए ना, तो मेरे साइड वाला घर खाली पड़ा है तो एक बार जाकर देख लो। प्रपाई को वो घर बहुत पसंद आता है और आंटी बताती है कि इस घर के ओनर काफ़ी टाइम से चाइना में रहते हैं तो तुम यहाँ अपनी मर्जी से रह सकती हो। प्रपाई कहती है, घर तो अच्छा है बट इसमें दो बेडरूम हैं, मुझे तो सिर्फ एक में रहना है तो मैं टू रूम का रेंट पे नहीं कर पाऊंगी। और जाने लगी थी, आंटी कहती हैं, रुको रुको, मैं तुम्हें एक ही रूम रेंट पे दे दूंगी पर एक मंथ का रेंट एडवांस में देना होगा। प्रपाई मान जाती है तो आंटी तो खुशी के मारे उसे हगी कर लेती हैं। इधर पूपा भी कॉलेज टॉम से अपने घर में शिफ्ट होने के लिए पैकिंग कर रहा था। प्रपाई पूरे घर की अपनी मर्जी से डेकोरेशन कर लेती है और हर तरफ क्यूट क्यूट पफीज और टॉयज रख लेती है। रात में जब वो हॉरर मूवी देख रही थी तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे भूतों का नाम लेकर डरा रही थी, तो वो कहती है, चुप कर, यहाँ कोई भूत नहीं है, और टीवी बंद कर सोने चली जाती है। रात में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो डंडा लेकर पूरे घर में देखने लगती है और फिर भूत को देखकर चिल्ला पड़ती है, पर ये तो सिर्फ उसका सपना था। पर फिर अचानक से उसे सच में आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं तो वो बुद्धा का स्टैचू लेकर भूत का सामना करने जाती है। पर तभी कोई उसे पकड़ लेता है तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं वो देखती है वो तो पूपा है। पूपा भी प्रपाई को देख हैरान था। पूपा ने प्रपाई के चेस्ट पे हाथ रख रखा था तो वो कहती है, यू साइको, और पूपा के एक ज़ोरदार थपड़ा लगा देती है। बेचारा पूपा फालतू में पिट गया था। फिर प्रपाई आंटी को गेट खोलने को कहती हैं तो वो पूछती हैं, इतनी रात में क्या बात करनी है, मेरा बेटा भी शोर सुन के उठ गया। वो कहती है, मेरे घर में ये लड़का घुस आया और बोल रहा है कि ये इस घर का मालिक है, मैंने तो इस घर का रेंट भी पे कर दिया है ना। पूपा कहता है, क्या मेरी मॉम को पता है कि आपने हमारे घर को रेंट पे दे दिया। आंटी परेशान थी और उनका बेटा भी उठ गया था। पूपा की मॉम फ़ोन नहीं उठा रही थी तो आंटी बताती हैं कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि घर खाली पड़ा है तो मैं किसी को इसे रेंट पे दे दूँ। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम डॉम छोड़कर घर वापस आ जाओगे, और प्रपाई ने ऑलरेडी घर का रेंट भी दे रखा है। वो कहता है, तो इसे पैसे वापस कर दो। वो कहती है, नहीं मैं क्यों जाऊँ, एक तो बड़ी मुश्किल से अपना सारा सामान यहाँ टिकाया है। वो कहता है, पर ये मेरा घर है। बच्चा कहता है, तुम इतने खड़ूस क्यों हो, टीचर ने कहा था कि बॉयज़ को गर्ल्स की हेल्प करनी चाहिए। प्रपाई उसे कहती है, मेरे साथ गलत हो रहा है ना। वो कहता है, हाँ प्लीज़ तुम इसे यहीं रहने दो ना। आंटी कहती हैं, वैसे तुम दोनों यहाँ साथ में एडजस्ट हो सकते हो, यहाँ पे दो बेडरूम हैं। वो कहती है, आपके कहने का मतलब कि मुझे एक लड़के के साथ रहना होगा। वो कहता है, वरना तुम यहाँ से कहीं और भी जा सकती हो। वो सोचती है, ये तो गे है, वैसे भी गर्ल्स को लाइक नहीं करता,
तुम्हारे बीच कुछ नहीं होने वाला, और साथ में रहने के लिए मान जाती है तो बच्चा बहुत खुश होता है। पूपा कहता है, पर सिर्फ एक महीने के लिए, बाकी बात मेरी मॉम के आने के बाद होगी। नेक्स्ट डे जब प्रपाई टॉयलेट आती है तो पूपा तो ऑलरेडी वॉशरूम में था। दोनों एक दूसरे को बाहर भेजने के लिए झगड़ने लगे थे, पर प्रपाई बाद में आई थी तो उसे भी बाहर जाना पड़ता है। फिर प्रपाई आकर देखती है कि पूपा ने उसके सारे पफीज और टॉयज वहाँ से हटा दिए और कहता है, अगर मेरे साथ रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो वो बोर्ड पे लिखे रूल्स पढ़ने लगती है। रूल नंबर 1, अपना सामान अपने रूम में रखना होगा ताकि लिविंग एरिया साफ रहे। वो कहती है, अच्छा तो तुम्हारा सामान क्यों लिविंग एरिया में पड़ा है? वो कहता है, घर मेरा है तो रूल्स भी मैं ही बनाऊंगा, अगर तुम्हें फॉलो नहीं करना तो निकलो। रूल नंबर 2, तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में तुम किसी बाहर वाले को नहीं ला सकते, इवन फ्रेंड्स को भी नहीं। देन प्रपाई वाज लाइक, क्या स्टूपिड रूल्स हैं, बॉसी कहीं का। और फिर फ्रिज में से फूड पैकेट निकाल कर ओवन में रख देती है। वो कहता है, तुम्हें फूड पैकेट से निकाल कर रखना चाहिए वरना प्लास्टिक खाने से चिपक जाएगा। वो कहती है, क्यों, क्या ये भी तुम्हारा कोई रूल है? वो चुप हो जाता है। तो वो मजे से खाने लगी थी और फिर उसे अपनी तरफ घूरता देख कहती है, तुम्हें भी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। वो कहता है, नहीं मैं ऐसा फूड नहीं खाता। तो वो मुंह बनाते हुए खाने लगती है। पूपा उसे ऐसे फूड के नुकसान बताने लगा था, पर प्रपाई तो ऑलरेडी वहाँ से भाग गई थी क्योंकि आज उसका अकाउंटेंट की जॉब का पहला दिन था। पर मैनेजर उसे बहुत सारा काम करने को दे जाती है, इतना सारा कि काम करते करते वो पक गई थी। इधर पूपा का भी लैब का पहला दिन था, पर मीना उस पर लाइन मार रही थी जिसका उसे भी अंदाजा हो गया था। प्रपाई को ता का फ़ोन आता है, पहले तो वह नहीं उठाती पर फिर मैसेज कर कहती है कि मैं काम में बिजी हूँ। ता उसे वॉइस मैसेज भेजता है कि अगर मैं वावा को डेट नहीं करूँगा तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? देन प्रपाई वाज लाइक, पागल वागल हो गया क्या? तभी मैनेजर आकर प्रपाई को डांटती है क्योंकि उसने फाइल्स में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी थी। क्रिएटिव डिपार्टमेंट की एक लड़की फे उसकी फ्रेंड बन जाती है। काम करते करते उसे रात हो गई थी तो वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए शूज़ रैक में रखना भूल जाती है। पर पूपा का रूल नंबर 3 था कि उसे अपने शूज़ रैक में ही रखने होंगे, तो वो जल्दी से शूज़ रैक में रखकर जाने लगी थी। वो कहता है, रुको सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लो ताकि दोबारा गलती ना करो। रूल नंबर 4, बिना किसी के परमिशन के एक दूसरे के रूम में नहीं जाना। रूल नंबर 5, घर के काम बारी बारी से करने होंगे। रूल नंबर 6, जब मैं वॉशरूम में होऊंगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का। रूल नंबर 7, फ्रिज का ऊपर वाला शेल्फ तुम्हारा और नीचे वाला मेरा, और मैं कभी भी कोई नया रूल ऐड कर सकता हूँ, पर अगर तुमने 3 से ज़्यादा बार रूल्स फॉलो नहीं किए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो कहती है, ओके मिस्टर बॉस। रात में जब पूपा सो रहा था तो प्रपाई के चिल्लाने की आवाज़ सुन बाहर आता है, पर प्रपाई तो हॉरर मूवीज देख रही थी तो वो टीवी बंद कर देता है और कहता है, अब से जब मैं सो रहा हूँ तो तुम शोर करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी, और ये बात रूल्स में लिख देता है। तो प्रपाई टीवी ऑन करके हेडफोन लगा लेती है और कहती है, मैं अब तो देख सकती हूँ ना। वो चला जाता है, पर वो डरते टाइम मुंह पे हाथ रख लेती है। जब वो मॉर्निंग में देखता है कि प्रपाई ने बोर्ड पे कार्टून बना रखा है तो कहता है, ये बोर्ड इम्पोर्टेंट बातों के लिए है तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज माई फर्स्ट वार्निंग। तो वो मुंह बनाती हुई कार्टून इरेज कर देती है। वो वॉशरूम में देखता है कि प्रपाई के बाल पड़े हैं और किचन सिंक में गंदे बर्तन पड़े हैं, यहाँ तक कि फ्रिज में कई दिनों का बासी खाना पड़ा है। तो वो चिल्ला पड़ता है। वो कहती है, अब क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है, तुमने घर में जो भी कचरा रख रखा है ना उसे बाहर फेंक दो। नेक्स्ट डे जब प्रपाई थक के जॉब से घर आती है तो वो कहता है, आज टॉयलेट साफ करने की बारी तुम्हारी है। प्रपाई को ना चाहते हुए भी टॉयलेट साफ करना पड़ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो वो उसे देखने आता है, पर वो तो टॉयलेट सीट पर ही सो गई थी। पूपा उसे उठाता है पर वो नहीं उठती, तो वो उसे पकड़कर उसके रूम में छोड़ने जाता है। रात में वो उठकर देखता है कि प्रपाई नींद में डांस कर रही है। वो उसे सोने जाने को कहता है, पर वो तो उसके रूम में घुस जाती है और उसके बेड पर चढ़कर नाचने लगी थी। वो उसे रोक रहा था बट वो उसे लेकर ही बेड पर गिर जाती है और उसे अच्छे से पकड़कर सो गई थी। पूपा उसे देख स्माइल करता है और फिर उसे गोद में उठाकर उसे उसके रूम में सुलाने आता है। वो भाग रही थी तो वो उसे पकड़कर कपड़ा उड़ा के सुला देता है। मॉर्निंग में प्रपाई की आईज खुलती हैं तो वो जल्दी जल्दी भागती है क्योंकि वो जॉब पे जाने के लिए लेट हो गई थी। वो कहता है, आज सैटरडे है तो
तो वो खुश होती है क्योंकि थकावट की वजह से वैसे भी उसका काम पे छाने का मन नहीं था। पूपा बैठा उबासी ले रहा था और उसके पूछने पे कहता है, मुझे रात बहुत बुरा सपना आया था। वो कहती है, मुझे तो बहुत अच्छा सपना आया था, मैं एक पैलेस में डांस कर रही थी। देन पूपा वास लाइक, अच्छा मैं भी उस सपने में था। तभी पूपा को ता का कॉल आता है जो पूपा के घर पे आने को बोल रहा था। प्रपाई उसे इशारे से मना करने को कहती है तो पूपा कहता है, हाँ मुझे काम है तो तू किसी और दिन आ जाना। प्रपाई उसका थैंक यू करती है कि उसने उसके कहने पे ता को घर आने से मना कर दिया, पर वो कहता है, किसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे सच में काम से बाहर जाना है, तो मेरे वापस आने तक घर की पूरी साफ सफाई कर देना। प्रपाई अपने हाउसमेट वाले कपड़े पहनकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, पर वो पूपा के रूम में भी आ गई थी और वहाँ वही टूटा हुआ गिफ्ट रखा देख उठा के ले जाती है। फिर उसने सब कचरा ठिकाने लगा दिया था। पूपा घर आकर देखता है कि उसका वो गिफ्ट गायब है तो गुस्से से उसे कहता है, तुम मेरे रूम में घुसी थी ना। वो कहती है, हाँ मैं तो बस सफाई करने के लिए आई थी। वो कहता है, तो तुमने मेरी चीज़ें उठाकर फेंक दी, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है, मैंने तुम्हारा गिफ्ट ठीक कर दिया, सॉरी मैंने इसे गलती से तोड़ दिया था। तो पूपा का गुस्सा शांत हो जाता है। इधर वावा ने ता के लिए उसकी फाइल्स रेडी कर दी थी, पर ता तो सिर्फ उसे थैंक यू करके चला जाता है, उससे कोई भी और बात नहीं करता, तो वो सैड होती है। मॉर्निंग में प्रापाई देखती है कि पूपा किसी काम की वजह से बाहर गया है और वो आज लेट आएगा, तो वो पूरे घर में अपने टॉयल्स फैला देती है और स्पाइसी खाना खाती है विथ फुल मस्ती, क्योंकि आज उसे आज़ादी मिली थी। इधर मीना पूपा को ग्रेजुएशन पार्टी के लिए साथ में चलने को कहती है, पर वो कहता है, तुम किसी और से पूछ लो क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी और के साथ जाने को बोल दिया है। तो मीना सैड होती है। प्रपाई आज़ादी के मजे ले ही रही थी तभी वहाँ पूपा जाता है। वो कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, यहाँ बैठ जाओ कुछ खाओगे, मैं ये सब साफ करने वाली थी पर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो कहता है, तुम्हारा मतलब इसमें मेरी गलती है, तुम ऑलरेडी कई बार रूल तोड़ चुकी हो। वो कहती है, सॉरी सॉरी मैं ये सब साफ कर दूंगी, प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंकना। बट वो नहीं सुनता तो वो कहती है, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही, अगर तुमने मुझे बाहर फेंक दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे सड़कों पर रहना पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है मेरे पास एक ऑफर है, क्या तुम्हें मंजूर है। वो कहती है, हाँ मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है, तुम्हें एक दिन के लिए मेरा डेट पार्टनर बनना होगा। वो हैरान थी। वो कहता है, मेरी ग्रेजुएशन पार्टी है जिसमें मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता, पर मैंने एक फ्रेंड को पहले ही बोल दिया कि मैं एक डेट पार्टनर के साथ आऊँगा। तो वो समझ जाती है कि पूपा उसे एज ए शील्ड यूज़ करना चाहता है और पूछती है, अगर मैं जाने के लिए रेडी हो गई तो क्या तुम मुझे बाहर नहीं फेंकोगे। वो हाँ करता है तो प्रपाई भी पूपा की डील के लिए मान जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए शॉपिंग कर रही थी तो उसके फ्रेंड्स को लगता है कि प्रपाई पूपा को सीक्रेट डेट कर रही होगी क्योंकि वो तो कभी किसी गर्ल से बात भी नहीं करता। तो वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ता का फ्रेंड है। और सोचती है, वो भी गे। उसकी फ्रेंड उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस और हील्स चूज़ कर लेती हैं, पर वो हील्स को देख परेशान लग रही थी और फिर घर पे आकर हील्स पहन के चलने का ट्राई करती है। पूपा उसे देखने लगा था जब वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हारे वेट के हिसाब से तुम ज़्यादा टाइम हील्स नहीं पहन सकोगी। वो कहती है, तुम बकवास बंद करोगे, मुझे पार्टी में सुंदर दिखना है, कल देखना मैं अपनी ब्यूटी से तुम्हें शॉक कर दूंगी। देन पूपा वास लाइक, इसका कुछ नहीं हो सकता। कंपनी में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की फे प्रपाई से एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ पूछने आती है तो प्रपाई को आइडिया आता है कि वो वेलकम टू द बैंकॉक की जगह लिविंग लाइफ इन बैंकॉक कर सकते हैं, जो फे को भी काफ़ी पसंद आता है और उससे एडवर्टाइजिंग के लिए हेल्प मांगती है तो प्रपाई हाँ कर देती है। ग्रेजुएशन पार्टी में पूपा प्रपाई का वेट कर रहा था, इतने में मीना आकर कहती है, तुम्हारा पार्टनर नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तभी वहाँ प्रपाई की एंट्री होती है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि पूपा तो उसे देखते ही रह जाता है। वो मीना को हेलो करती है पर मीना मुंह बनाकर चली जाती है। देन प्रपाई वास लाइक, मैंने इसे गलती से थपड़ा लगा दिया था क्या, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। पर जब वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने तो प्रैक्टिस की थी ना, और फिर उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। वो कहता है, हाँ ठीक सी। तभी वहाँ ता आता है पर वो किसी और लड़की के साथ था। तो प्रपाई कहती है, वावा कहाँ है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, वावा मेरी फ्रेंड है।
तुम तो उसे डेट कर रहे थे ना, ता कहता है। और तुम्हारा क्या, तुम पूपा के साथ कैसे? तुम कब से मेरे फ्रेंड्स के इतना क्लोज होने लगी? पूपा कुछ बोलने वाला था, पर प्रपाई कहती है, ठीक है आगे से मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं, और चली जाती है। फिर वो बहुत सारी डिशेस लेने लगी थी तो पूपा कहता है, इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। वो कहती है, स्वीट्स खाकर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये वाली से 5 मिनट की और ये वाली से 10 मिनट की और जो तुम्हारी प्लेट में है इससे 15 मिनट की। और उसकी प्लेट वाली डिश उठाकर खा जाती है तो वो हंस पड़ता है। फिर सब लोग डांस करने लगे थे तो प्रपाई भी पूपा को डांस करने को कहती है। वो कहता है, मुझे डांस नहीं आता। वो कहती है, कोई नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो वो भी उसके जैसे कॉपी करने लगा था। प्रपाई गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, पर दोनों क्लोज होने से काफ़ी नर्वस थे। फिर कपल डांस की बारी आती है, पर प्रपाई को तो कपल डांस नहीं आता था तो पूपा उसे अपने करीब कर डांस करने लगा था। वो शर्मा रही थी, तभी मीना कर कहती है, क्या मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ डांस कर सकती हूँ? प्रपाई उसे यस बोल कर जाने लगी थी, तभी ता प्रपाई को साथ में डांस करने को कहता है। वो मना कर देती है तो ता कहता है, तुम मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों कर रही हो? वो उसे दूर रहने को कहती है, बट वो उसके करीब होने लगा था। तभी पूपा आकर ता को रोकता है, लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, पर पूपा प्रपाई को वहाँ से ले जाता है। प्रपाई काफ़ी सैड थी और कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारी पार्टी ख़राब कर दी। वो कहता है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, अगर मैंने पार्टी के लिए तुम्हें फोर्स ना किया होता तो ऐसा ना होता, वैसे भी मुझे पार्टीज पसंद नहीं। वो कहती है, तुम्हें ता के पास वापस जाना चाहिए वरना वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज है, क्या तुम चल सकती हो? वो हाँ करती है, पर पूपा उसे बैग पे चढ़ने को कहता है। वो मना कर रही थी। वो कहता है, बैड फील मत करो, वैसे भी ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है। और वो उसे बैग पे कैरी कर लेता है, उसे गोद में उठाकर घर ले आता है और उसकी हील्स उतारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हील्स पहनने के लिए मना किया था ना, अगर पेन होता है तो मत किया करो। वो रोने लगती है तो वो उसे हैंकी देता है। और फिर उसके पैर पे मेडिसिन लगाने वाला था तो वो सोचती है, ये कितना अच्छा है। पर जब वो उसके मेडिसिन लगा रहा था तो कहती है, आउच, आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है, दैट्स इनफ, प्लीज स्टॉप। पर उनकी बातें आंटी कान लगा कर सुन रही थी तो बच्चा कहता है, मॉम लग रहा है वो ना उसे परेशान कर रहा है, चलो उसकी हेल्प करने चलते हैं। आंटी कहती हैं, मुझे नहीं लगता हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए, वो ज़रूर कुछ और ही कर रहे हैं। और बच्चे को सोने को बोलकर फिर दीवार से कान लगाकर सुनने लगी थी। प्रपाई कहती है, थैंक यू, मुझे बेटर फील हो रहा है, इस हैंकी ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं इसे कल धोकर तुम्हें वापस दे दूंगी। तो वो हाँ करता है। इधर वावा ता का वेट कर रही थी, पर ता तो टल्ली था और वावा को हक करके कहता है, मैंने सब खराब कर दिया। वो कहती है, इट्स ओके, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मॉर्निंग में प्रपाई उठ के बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र पूपा पर पड़ती है जो बिना शर्ट पहने पुशअप कर रहा था। कुछ सेकंड तो वो उसे देखती है, पर फिर भागकर रूम में वापस आ जाती है और सोचती है, कंट्रोल पाई, पूपा एक गे है, ऐसा वैसा सोचना बंद कर। और फिर पेपर पे लिखती है, थैंक यू पार्टी मेरी हेल्प करने के लिए। फिर वो उस पेपर का प्लेन बनाकर पूपा के रूम में उड़ा देती है, पर वो तो उसकी टकली पे लग गया था तो जल्दी से भाग जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, मैं तो कई काम से, क्या करूं क्या करूं। तभी पूपा उसके रूम में आकर कहता है, ये क्या है, तुम्हें ये प्लेन किसने बनाना सिखाया? वो हैरान थी। फिर पूपा प्रपाई को पेपर फोल्ड करके प्लेन बनाना सिखाता है। वो उसके क्लोज हो देखने लगी थी तो वो कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। वो कहती है, ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं भी तो एक लड़की हूँ। जब वो उसके हाथ को टच करती है तो पूपा को कुछ अजीब फील हो रहा था, क्योंकि जब भी वो दोनों क्लोज होते हैं तो उसकी सांसें थम जाती थीं। प्रपाई प्लेन बनाना सीख गई थी तो उसका थैंक यू करती है। वो काम के लिए लैब चला जाता है, पर प्रपाई अपने बचपन की तरह प्लेन को उड़ाने लगती है। सब पूपा को ही देखे जा रहे थे और प्रोफेसर और मीना भी कोई वीडियो देख रहे थे, पर उसके आते ही रुक जाते हैं। इनफैक्ट पूपा की प्रपाई के साथ वाली वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें वो पार्टी में प्रपाई को ता से बचाता है, इसलिए प्रपाई परेशान थी कि उसकी वजह से पूपा प्रॉब्लम में फंस गया और उसे सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि सब लोग पूपा के बारे में र्यूमर्स फैला रहे थे। वो कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, लोगों का तो काम ही ये है र्यूमर्स फैलाना, नए र्यूमर के आते ही पुरानी वाली भूल जाएंगे। वो कहती है, वाओ तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, पर मेरी तो कहीं भी जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। वो कहता है,
तुम इतनी टेंशन ले रही हो, तभी तो तुम्हारे रिंकल्स दिखने लगे। देन प्रपाई वाज लाइक, क्या मैं बुढ़ी हो रही हूँ? और फिर वो फेस मास्क लगाकर बैठ जाती है। पूपा उसे देख स्माइल करता है, क्योंकि उसने ही जानबूझकर वो फेस मास्क टेबल पे रखा था ताकि प्रपाई र्यूमर्स के बारे में भूलकर इसमें बिजी हो जाए। प्रपाई पूपा को सोफे पर बिठाती है और कहती है, हम दोनों ही सेम सिचुएशन में हैं, कहीं तुम्हारे भी रिंकल्स ना हो जाएं, तो चलो फेस मास्क लगा लो। और उसके क्लोज होती है। पूपा नर्वस हो रहा था, बट प्रपाई इमेजिन करती है कि पूपा ने भी उसके जैसे लड़कियों की तरह फेस मास्क लगा रखा है और दोनों नेल पेंट लगाकर बहुत खुश हो रहे हैं। प्रपाई जैसे ही उसके फेस मास्क लगाने वाली थी, पूपा एक कॉकरोच को देख कर डर जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों की बातें सुन बच्चा कहता है, मॉम वो दोनों क्या कर रहे हैं? आंटी कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, तुम अपना होमवर्क करो। आज के टीनेजर्स अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। कॉकरोच को देख पूपा की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, तो वो कहती है, ओके ओके स्टॉप, मैं उसे पकड़ने जा रही हूँ। और फिर कॉकरोच को जाकर उठा लेती है। फिर वो उसे कॉकरोच से डराने लगती है, तो वो कहता है, दूर फेंको इसे। जब वो कॉकरोच को बाहर फेंक आती है, देन पूपा वॉज लाइक, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा था। पर प्रपाई को हंसी आ रही थी। वो कहता है, हंस क्यों रही हो? तुमने इतनी गंदगी कर रखी है, तभी तो कॉकरोच अंदर आया। अब से तुम्हें घर के डबल काम करने होंगे। देन शी वॉज लाइक, मुझ पे क्यों दोष लगा रहा है? स्टूपिड गाय, सॉरी गे। मॉर्निंग में जब प्रपाई जाने लगी थी, तो वो कहता है, तुम्हारे टॉप पे टैग लगा है। प्रपाई कहती है, क्या तुम मेरा टैग निकाल दोगे? और अपने सारे बाल आगे कर लेती है। पूपा को शर्म आ रही थी और उसे बिना टच किए ही टैग हटाकर उसके बाल आगे कर देता है। वो कहती है, थैंक यू, और फ्लाइंग किस करके भाग जाती है। देन पूपा वॉज लाइक, व्हाट इज दिस? पर फिर स्माइल करता है। प्रपाई को जाता देख आंटी कहती हैं, कल रात तो तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होगी, रात भर तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहीं। वो कहती है, आपने भी सुन ली? सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। वो भागी जा रहा था, मुझे पूरी रात लग गई उसे पकड़ने में। आंटी कहती हैं, हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें भी अपनी केयर करनी चाहिए, अभी तुम छोटी हो तो प्रोटेक्शन यूज़ करना ज़रूरी है। मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल से बता दूंगी ताकि तुम प्रेग्नेंट ना हो। देन प्रपाई वॉज लाइक, वेट अ मिनट, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। आंटी कहती हैं, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है, इट्स नेचुरल। वो कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं रात भर कॉकरोच को पकड़ती रही। आंटी वॉज लाइक, रियली? वो कहती है, और नहीं तो क्या, मैं पूपा के साथ क्यों कुछ करूँगी? आंटी कहती हैं, क्यों, आजकल के गर्ल्स बॉयज जो साथ में रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ होता रहता है। वो कहती है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पूपा को गर्ल्स पसंद नहीं है। आंटी तो ये सुन हैरान थी। वो कहती है, पर आपने ये बात किसी को भी मत बताना। तो आंटी उससे प्रॉमिस कर देती हैं। कंपनी में फे प्रपाई को कहती है, तुम मेरी बैंकॉक प्रोजेक्ट में हेल्प कर देना और मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जॉब दिलवा दूँ। तो प्रपाई खुश होती है। जब वो घर वापस आ रही थी, तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो तो ता था जो कहता है, मैंने उस रात पार्टी में जो भी किया उसके लिए सॉरी, मैं टल्ली था इसलिए होश में नहीं था। प्रपाई जाने लगी थी, पर वो उसे उसको माफ़ करने को कहता है। इतने में वहाँ पूपा भी आ जाता है, तो प्रपाई ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो पूपा को डेट कर रही हो, पर पूपा वहाँ से चला जाता है। वो कहती है, भले मैं और पूपा डेट नहीं कर रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम हमेशा से ही ऐसी गलतियाँ करते हो और मैं हर बार तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पर इस बार नहीं, और चली जाती है। फिर वो पूपा से कहती है, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? मैंने तो तुम्हें अपना फ्रेंड समझा था, तुम्हें लगता है कि ता तुम्हें गलत समझेगा इसलिए तुमने मेरी हेल्प नहीं की। वो कहता है, तुम्हें बहाने बनाने के बजाय सच का सामना करना चाहिए, और चला जाता है। पर प्रपाई बहुत गुस्से में थी। ता अपनी करतूत के लिए काफ़ी शर्मिंदा था। तभी वावा उसे उसकी प्रोजेक्ट फाइल देने आती है, तो वो कहता है, थैंक यू, तुम हमेशा ही मेरे साथ अच्छा बिहेव करती हो, और ड्रिंक करने लगा। वो पूछती है, क्या तुम फिर से प्रपाई से बात करने गए थे? वो कहता है, हाँ, पर वो अब मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो कहती है, प्रपाई ज़्यादा टाइम किसी से गुस्सा नहीं रह सकती, उसे थोड़ा टाइम दो। वो कहता है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? पर वावा बिना कुछ बोले ही ड्रिंक करने लगती है। इधर प्रपाई पूपा से अभी भी गुस्सा थी, पर वो कहता है, आज बिल्डिंग की मीटिंग है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वो कहती है, मैं क्यों जाऊँ, घर के मालिक तो तुम हो। वो कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें मीटिंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहती है,
किसने कहा मैं नहीं जा रही, मैं जाऊंगी। देन पूपा वॉज लाइक अब आई ना लाइन पे। मीटिंग में मिस्टर जो सबको वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में समझा रहा था और पूपा उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो ये देख आंटी कहती हैं, देखो देखो पूपा तो नॉनस्टॉप मिस्टर जो को ही देखे जा रहा है। प्रोपाई कहती है, लगता है मिस्टर जो पूपा के टाइप का है। मिस्टर जो की गर्लफ्रेंड उन दोनों को बातें करता सुन लेती है। प्रोपाई सोचती है, अच्छा है पूपा ता से मूव ऑन हो रहा है। मीटिंग के ख़त्म होते ही पूपा मिस्टर जो की पॉलिसी की तारीफ़ें करने लगा था, पर तभी वो लड़की आकर कहती है, हे यू, मिस्टर जो इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो इस पर लाइन मारना बंद करो। पूपा तो हैरान था। आंटी सबको शांत करने लगती हैं तो पपाई कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और अच्छे लड़कों से मिलवा दूंगी। पूपा हैरान, तो वो लड़की कहती है, मैंने प्रपाई की सारी बातें सुन ली कि तुम लड़कियों को नहीं लड़कों को लाइक करते हो। पूपा प्रपाई की तरफ देखता है। वो उसके कान में कहती है, मुझे पता है तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो, तो मैं सबको झूठ बोल दूंगी कि तुम मुझे लाइक करते हो, ताकि सारी बात यहीं दब जाए, सही है ना। पूपा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। वो पीछे पीछे हो जा रही थी और कहती है, ये क्या कर रहे हो। वो उसके क्लोज हो कहता है, मैं 100% लड़का हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो क्या तुम चेक करना चाहती हो, और उसके करीब होने लगता है। वो हैरान थी। प्रपाई उसे दूर हो कहती है, नहीं मुझे विश्वास हो गया, और भाग जाती है। सब लोग हैरान थे। आंटी कहती हैं, देखा प्रूव हो गया कि पूपा 100% लड़का है, तो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। इधर प्रपाई अपने रूम में आती है और पूपा के साथ वाले सारे मोमेंट्स को याद कर शर्माने लगती है, पर फिर खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी। अब तो उसके रातों की नींद भी उड़ गई थी। मॉर्निंग में वो चुपके चुपके जा रही थी, पर पूपा को देखते ही जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। पूपा वास लाइक, मुझ पे दोष लगाकर खुद छुप रही है। पूपा की वजह से प्रपाई का काम पे भी ध्यान नहीं लग रहा था और उसके डार्क सर्किल भी हो गए थे। तभी फे आकर उसे बताती है कि तूने जो मुझे आइडिया दिया था वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया, तो क्या तू कल मेरी एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगी। कल तो प्रपाई के पास टाइम ही नहीं था, पर फे के बार बार कहने पे वो हाँ कर देती है। मैनेजर आकर प्रपाई को फिर उसकी मिस्टेक्स के लिए डांटना स्टार्ट कर देती है, तो वो सॉरी बोलती है। काम करते करते उसे रात हो गई थी, तो एक एम्प्लॉय जिसका नाम कार्टून है, तो वो कहती है, तुझे पता है यहाँ पे कोई भी ज़्यादा रात तक काम नहीं करना चाहता है। वो पूछती है, पर क्यों। कार्टून कहती है, क्योंकि किसी को भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती, और चली जाती है। प्रपाई सोचती है, पूपा अभी तक नहीं सोया होगा, तो मैं घर कैसे जाऊंगी। पर फिर कुछ आवाज़ें सुन भूत के डर से वहाँ से भाग जाती है। इधर पूपा प्रपाई का वेट कर रहा था, पर प्रपाई तो जानबूझ के घर नहीं आ रही थी, और पूपा को देख वहीं छुप जाती है और सोचती है, इतनी रात हो गई ये अभी तक सोया क्यों नहीं। पूपा प्रपाई को मैसेज करता है, पर मैसेज की आवाज़ सुन वो उसे वहीं पे छुपा हुआ देख लेता है और फिर पूछता है, तुम उससे छुप क्यों रही हो और ऐसे अजीब रैक क्यों कर रही हो। वो कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। पूपा प्रपाई की क्लोज होने लगा था। वो कहती है, मैंने कहा ना कि मुझे विश्वास आ गया कि तुम 100% लड़के हो, और भाग जाती है। बट बेचारा पूपा तो सोफे पे से बाल उठाने वाला था। प्रपाई की ऐसी हालत देख बच्चा कहता है, मॉम लगता है प्रपाई को जॉम्बी ने काट लिया। तो आंटी प्रपाई को अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगी थी। प्रपाई कहती है, क्या आप सेम प्राइस पे मुझे कोई और रूम दिलवा सकती हो, क्योंकि मैंने पूपा को गे समझकर इस घर में रहने के लिए हाँ की थी, पर अब मैं किसी लड़के के साथ कैसे रह सकती हूँ। आंटी कहती है, लड़के के साथ रहने में तो बहुत मज़ा है। वो कहती है, पर अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी। देन आंटी वॉज लाइक, बस बस ज़्यादा नौटंकी मत कर, जैसे तू बहुत मासूम है। पर उसे घूरता दे कहती हैं, हाँ हाँ मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो प्रपाई थैंक यू कर चली जाती है। इधर पूपा और ता सही से बास्केटबॉल नहीं खेल रहे थे, जो उनके फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं। ता तो वहाँ से चला जाता है, पर पूपा अपने फ्रेंड्स से पूछता है, एक लड़का एक लड़की के साथ रहता है, पर उस लड़की ने उसे गलती से गे समझ लिया। वो पूछते हैं, उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि लड़की को ये कन्फ्यूजन हो गई। वैसे क्या वो लड़का हैंडसम है। पूपा कहता है, हाँ काफ़ी हैंडसम है, पर जब उस लड़की को पता चला कि वो 100% लड़का है, तो वो उस लड़के को देख अजीब रिएक्ट करती है। फ्रेंड्स कहते हैं, वो शर्मा रही होगी, या उसे लड़के के साथ रहने में डर लग रहा होगा, क्या पता उसने उस लड़के को भी ताकि तरह प्ले बॉय समझ लिया हो। रात होती कार्टून घर जाने लगी थी, तो प्रपाई कहती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर सो जाऊँ। कार्टून पहले तो हिचकिचा रही थी, पर फिर हाँ कर देती है,
तो वो उसका थैंक यू करती है। इधर घर पे पूपा प्रपाई का वेट कर रहा था पर उसे फ़ोन नहीं करता और बाहर देखने जाता है तो आंटी उसे बताती हैं कि प्रपाई रहने के लिए एक नया रूम ढूंढ रही है। तो पूपा हैरान था। प्रपाई जैसे ही कार्टून के घर आती है, कार्टून का बॉयफ्रेंड उसे कार्टून समझकर हक कर लेता है पर फिर सॉरी बोलता है। उसके बॉयफ्रेंड को देख प्रपाई वहाँ से जाने लगी थी पर कार्टून कहती है कोई बात नहीं तू मेरे साथ बेड पे सो जाना। वो कहती है नहीं नहीं तुम दोनों बेड पे सो जाना मैं बाहर सोफे पर ही सो जाऊंगी। पर रात में उसे कार्टून और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ों की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। फिर पूपा की मिस कॉल देख वो उसे कॉल करती है। वो पूछता है तुम कहाँ हो अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो कहती है मैं एक फ्रेंड के घर पे हूँ। वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है पर मैं अपनी हर बात तुम्हें क्यों बताऊँ। वो कहता है वो कल घर के काम की बारी तुम्हारी है ना हम भूल मत जाना और फ़ोन काट देता है। पर रात में पूपा को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो पपाई को मिस कर रहा था और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे प्रपाई की ऐसी हालत देख मैनेजर उसे डांटना स्टार्ट कर देती है कि वो ऐसी मुंह उठाकर कंपनी में चली आई। पर फे उसे एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से मिलवाती है ताकि प्रपाई की भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए प्रपाई बहुत खुश होती है और फिर कार्टून से कहती है मैं कपड़े चेंज करके तुम्हारे घर आ जाऊँगी। पर तभी पूपा आकर प्रपाई को अपने साथ घर ले जाता है। वो कहती है तुम्हें लग रहा है कि मैं घर का काम नहीं करूँगी इसलिए तुम मुझे घर लेकर आए। वो कहता है हाँ यही बात थी। वो कहती है ठीक है तो मैं सारा काम करके चली जाऊंगी। पूपा बैठकर उसे देखने लगा था। प्रपाई झाड़ू लगा रही थी और फिर वॉशरूम साफ करने जाती है पर पूपा जानबूझकर फर्श गंदा कर देता है और प्रपाई के बाहर आते ही कहता है ये फर्श तो गंदा पड़ा है। वो कहती है मैंने तो साफ किया था। लगता है पोछा लगाना पड़ेगा। पूपा सोचता है पोछा लगाने में तो सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। प्रपाई पोछा लगा रही थी पर वो उठकर टॉयलेट जाता है और फिर कहता है वॉशरूम अभी भी गंदा पड़ा है। वो कहती है अरे मैंने तो साफ कर दिया था क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा तुमने सही से साफ नहीं किया होगा। प्रपाई गुस्से से फिर से वॉशरूम साफ करने लग जाती है। तभी डिलीवरी वाला आकर उसे पिज्ज़ा देता है तो वो मज़े से खाने लगती है। वो सोचता है इसे यहाँ रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है फूड। वो कहती है पर तुम तो ऐसा खाना नहीं खाते तो पिज़्ज़ा ऑर्डर क्यों किया। वो कहता है इस पे डिस्काउंट था इसलिए कर दिया तुम ही खा लो मुझे भूख नहीं है। और सोचता है पूरा पिज़्ज़ा खाते ही ये सोच आएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है प्रपाई को खाते ही नींद आने लगी थी। पूपा खुश हो रहा था पर प्रपाई कहती है अरे मुझे जाना होगा और फिर चेंज करने जाती है। पर फिर आकर देखती है कि बाहर बारिश हो रही है तो हैरान थी तो वो कार्टून को फ़ोन कर उसके घर ना जाने को बताती है। पर कार्टून बताती है कि बाहर तो बारिश नहीं हो रही। इनफैक्ट पूपा ने ही ग्लास में वाटर पाइप लगा दी थी इसलिए प्रपाई जाने लगी थी। तो वो कहता है ध्यान से जाना बाहर काफ़ी अंधेरा है। फिर टीवी पे न्यूज़ आने लगती है कि कुछ स्टॉकर्स लड़कियों का पीछा कर रहे हैं और वो अभी तक पकड़े नहीं गए। इनफैक्ट ये भी पूपा का ही प्लान था प्रपाई को रोकने का। और कहता है अगर तुम चाहो तो आज यहीं रुक जाओ। वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अकेली रुकूं? तुम जो 100% लड़के हो। वो कहता है हाँ मैं 100% लड़का हूँ पर मैं एक जेंटलमैन भी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस स्टॉकर से भी ज़्यादा डेंजरस हूँ। तो प्रपाई कार्टून को मना कर घर पे ही रुक जाती है। पूपा तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सारा प्लान काम कर गया था। नेक्स्ट डे पूपा प्रपाई के लिए उसका फेवरेट स्पाइसी ब्रेकफास्ट बना के रख जाता है। फिर वो लैब का काम निपटाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो प्रोफेसर और मीना भी हैरान थे पर वो घर आके देखता है कि ब्रेकफास्ट तो वैसा ही रखा है और प्रपाई अपने कमरे में सो रही है। तो उसके माथे को टच करके उसे पता चलता है कि प्रपाई को फीवर है। तो वो उसकी केयर करने लगा था बट शर्मा भी रहा था। प्रपाई उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा था मैं तो बस तुम्हारा फीवर कम कर रहा था। पर वो उसका हाथ पकड़ कहती है लव यू यू आर सो क्यूट और सो जाती है। वो उसे उठाता है पर वो नहीं उठती तो वो स्माइल करता है। मॉर्निंग में प्रपाई की आइज़ खुलती हैं तो देखती है कि पूपा उसी के बेड पे सिर रख के सो रहा है। वो उठ जाता है तो वो कहती है तुम यहाँ क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया था। वो हंस पड़ता है और फिर जब वो उसके क्लोज आता है तो वो नर्वस होने लगती है। पर वो थर्मामीटर दिखा कहता है
डरो मत, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। और उसका टेम्परेचर चेक करता है, इनफैक्ट वो उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड लिख रहा था। जब वो उसका माथा टच करता है तो वो हैरान थी। वो कहता है, तुम्हारा फीवर ठीक हो गया तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। प्रपाई शर्मा रही थी तो वो कहता है, पर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? वो कहती है, फीवर की वजह से हो गया होगा। पूपा उसे आज जॉब पे छुट्टी मारकर रेस्ट करने को कहता है और फिर उससे बाहर आकर पॉरिज खाने को कहता है। तो वो कहती है, थैंक यू आर सो क्यूट। वो शर्मा कर चला जाता है। प्रपाई आज छुट्टी पे थी इसलिए फी उसे कॉल कर अपना काम देती है। तो प्रपाई उसे हाँ बोलकर काम करने लगी थी और कहती है, कहीं वो मुझे काम करता देख डांटना स्टार्ट कर दे। एक मिनट, पर मैं उसे डर क्यों रही हूँ? इधर पूपा बड़े प्यार से प्रपाई के लिए सूप बनाता है और जब उसके लिए सूप लेकर आता है तो देखता है कि प्रपाई काम करते करते सो गई। तो वो उसके नेक पिलो लगा देता है, पर वो फिर से उठकर काम करने लगी थी। पूपा उसका लैपटॉप बंद कर देता है तो वो कहती है, तुम मुझे मेरी पसंद का काम करने क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे जैसे जीनियस ये बात नहीं समझ सकते। वो कहता है, मैं जीनियस पैदा नहीं हुआ था। जब कोई अपनी पसंद का काम शिद्दत से करता है तभी वो जीनियस बनता है और फिर उसमें सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वही काम शिद्दत से करना चाहिए। मुझे पता है तुम कर सकती हो। वो कहती है, थैंक यू। जब तुम स्माइल करते हो क्यूट लगते हो, तो तुम हमेशा स्माइल क्यों नहीं करते? वो कहता है, क्योंकि मेरे पास स्माइल करने का कोई रीज़न नहीं होता। अच्छा, यानी मैं तुम्हारा स्माइल करने का रीज़न हूँ, है ना, है ना? वो उसे सूप पीने को बोलकर गुड नाइट का चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रपाई जाकर अपनी अकाउंटेंट की जॉब से रिज़ाइन कर देती है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि फेवरेट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करेगी। और फे को भी गुड बाय कर चली जाती है। जब पूपा आता है तो वो उसे बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी। वो हैरान था। वो कहती है, तुमने तो कहा था जो पसंद है वही करना चाहिए। वो कहता है, पर मेरा मतलब तुम्हें जॉब छोड़ने को नहीं था। देन प्रपाई वाज लाइक व्हाट, और जॉब के लिए भागने लगी थी। वो कहता है, काम डाउन, अब तो तुमने अपनी जॉब छोड़ दी तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम कल से दोबारा स्टार्ट कर सकती हो, लाइक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए जॉब ढूंढ लेना। तब तक आज की रात रेस्ट करो। नेक्स्ट डे से प्रपाई जॉब ढूंढने में लग जाती है, पर कहती है, ये ड्रीम जॉब मिलना कितना मुश्किल है, इससे तो घर के काम ही आसान है। क्यों ना मैं मेड बन जाऊँ? नहीं, क्या पता मुझे पूपा जैसा बॉस ही बॉस मिल जाए, फिर मैं तो गई काम से। मुझे एडवर्टाइजमेंट में ही जॉब ढूंढनी होगी, बाहर जाकर देखती हूँ। प्रपाई को बाहर जाते देख आंटी कहती हैं, तुम जॉब पे जा रही हो? वो कहती है, नहीं वो तो मैंने छोड़ दी। वो कहती हैं, क्या तुम्हारे पास नेक्स्ट मंथ का रेंट के लिए पैसे हैं? पूपा तो तुम्हें वैसे भी यहाँ नहीं रखना चाहता था, ऊपर से अगर तुमने रेंट भी नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। प्रपाई सैड होती है। प्रपाई मेड बनकर घर के काम कर रही थी, जैसे ही पूपा घर आता है वो उसके शूज़ रैक में रख के उसे स्लीपर दे देती है और फिर उसे सोफे पर बिठाकर उसे पानी ला कर देती है। उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही थी पर वो फिर भी उसे पानी पिला देती है और फिर उसके शोल्डर्स की मसाज करने लगी थी। कुछ सेकंड तो पूपा इंजॉय करता है पर फिर हैरान हो कहता है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? देन शी वॉज लाइक, कुछ भी नहीं, मैं तो एक अच्छी रूममेट बन रही हूँ। वो कहता है, बताओ क्या चाहिए? वो कहती है, वो मैं बेरोजगार हो गई तो रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं रेंट के बदले घर के सारे काम कर दूंगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंकना, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि तुम्हारा अंडरवेयर भी धो दूंगी। पूपा वॉज लाइक व्हाट, तो वो उसके अंडरवेयर दिखा कहती है, शर्माओ मत, इससे पहले मैंने अपने भाई के भी अंडरवेयर धोए हैं। वो कहता है, मेरा अंडरवेयर वापस करो। वो अंडरवेयर लेकर भागने लगी थी और कहती है, मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करते कि तुम मुझे बाहर नहीं फेंकोगे। और अंडरवेयर ऊपर हवा में उड़ाने लगी थी पर दोनों की रेसलिंग की वजह से सोफे का पैर मुड़ जाता है और प्रपाई पूपा के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तभी अंडरवेयर छपाक से पूपा के फेस पे आके गिर जाता है और वो गुस्से से उसे देखता है तो वो आंखें बंद कर लेती है। फिर पूपा उसे कहता है, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बाहर फेंकूंगा, तुम खुद ही खुद पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। वो कहती है, आंटी ने मुझे डरा दिया था। वो कहता है, तुम्हें घर छोड़ के जाना चाहती हो? वो कहती है, यानी तुम्हारा मतलब तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊँ? वो कहता है, जो भी हो तुम्हें सोफे का पे करने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, तब तक तुम कहीं नहीं भाग सकती। वो कहती है, बॉस ही कहीं का, इसे पता है मैं बेरोजगार हूँ।
ता और वावा शॉपिंग करने आए थे। तभी ता देखता है कि पूपा और पपाई भी वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो उनका पीछा करता है। वो दोनों घर पहुँचते हैं, तभी वहाँ ता भी आ जाता है। वो हैरान पूपा कहता है, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, और अंदर घुस जाता है। पपाई को लगता है कि पूपा ने ही ता को बुलाया होगा, तो कहती है, तुम रूल नंबर 2 भूल गए कि किसी आउटसाइडर को घर नहीं लाना। रूल्स बोर्ड देखकर ता को पता चल जाता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं, तो कहता है, पूपा तूने प्रपाई को अपने घर रहने को कहा था। यह प्रपाई जो बहुत ही गुड गर्ल है, खुद ही एक लड़के के घर अकेली रह रही है। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है, तो कैसा है बताओ मुझे। प्रपाई को चुप देख पूपा कहता है, मैंने प्रपाई को यहाँ रहने के लिए कहा। तो ता पूपा को घूरता है और फिर कहता है, तुझे लगता है मैं तुझ पर विश्वास कर लूंगा, तो तूने मुझसे पहले कुछ क्यों नहीं बताया। और उसका कॉलर पकड़ कहता है, बता तेरा प्रपाई के साथ क्या रिश्ता है, तू उसे लाइक करता है ना, तभी मुझे उससे मिलने नहीं दिया, तू एक फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और उसे पंच कर देता है। ता कहता है, मैंने तुझे कहा था ना कि प्रपाई के ज़्यादा क्लोज मत जाना, क्योंकि जो भी उसके क्लोज जाता है उसे उससे लव हो जाता है। और उसे मारने लगा था पर रुक जाता है और फिर कहता है, लगता है मेरे कर्म मेरे आगे आ रहे हैं, मैंने कितनी गर्ल्स का दिल तोड़ा है, और सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, पर तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं है। पूपा कहता है, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ता कहता है, अगर पपाई की केयर करने वाला तू है तो मैं खुश हूँ, अब तो वो मुझे माफ़ करके मेरी फ्रेंड बन जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। पपाई जब पूपा की चोट लगी देखती है तो उसे उसकी चिंता होने लगी थी, बट वो कहता है, कोई तुमसे बात करना चाहता है। तभी वहाँ ता जाता है, ता प्रपाई से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है ताकि वो उसे माफ़ करके अपना फ्रेंड बना ले। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं ज़्यादा टाइम किसी से गुस्सा नहीं रहती, पर रही बात फ्रेंड बनने की, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा, तुम हमेशा से मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो। जब ता चला जाता है तो प्रपाई कहती है, जब उसने तुम्हें पंच किया था तो तुम पीछे क्यों नहीं हटे, या फिर उसे वापस से पंच क्यों नहीं किया, तुम क्या मूवीज़ के गुड हीरो हो। जब वो उसकी चोट पे आइस पैक लगा रही थी तो पूपा उसे देखने लगता है, तो वो भी उसे, और कहती है, तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो कहता है, क्योंकि तुमने मुझे फील, वो नर्वस हो रही थी। वो कहता है, क्योंकि तुम मुझे कोल्ड फील करा रही हो। देन शी वॉज लाइक, तो खुद ही आइस पैक लगा ले, और भाग जाती है। पर पूपा स्माइल करता है। वावा ता का वेट कर रही थी और उसे देख पूछती है, क्या हुआ। वो कहता है, इट्स ओके, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, क्या कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे बिना बताए पूरा दिन गायब रहे, तुम हमेशा से ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता है तुम बैड बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है, हाँ मैं बैड बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे डेट ही क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें मुझे लाइक करने के लिए फोर्स किया था। वो कहती है, हाँ सही कहा, तुमने फोर्स नहीं किया, मैं ही तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ी हूँ, पर अब नहीं, और चली जाती है। मॉर्निंग में प्रपाई ने ब्रेकफास्ट बनाया था। पूपा हैरान था क्योंकि प्रपाई को तो खाना बनाना ही नहीं आता, इनफैक्ट वो तो पैकेट फूड था जो उसने ओवन में रखा था, जो ऑफकोर्स कुकिंग स्किल में काउंट नहीं होता। पूपा को खाता देख वो भी उसी के स्पून से खाने लगी थी, पर वो कहता है, ये झूठी है, दूसरी लेकर आओ। वो मुँह बनाती है, तभी पूपा को उसकी मॉम का कॉल आता है, पर वो अपनी मॉम को प्रपाई के साथ एक ही घर में रहने वाली बात नहीं बताता, तो प्रपाई ये बात छुपाने के लिए उसका थैंक यू करती है। वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैं तो बस मॉम को परेशान नहीं करना चाहता, और फिर काम के लिए लैब जाने लगा था, पर प्रपाई उसे रोक के कहती है, क्या तुम ऐसे जाने वाले हो, और फिर उसकी चोट पे कुछ लगाने वाली थी। वो पहले तो दूर होता है, पर फिर जब वो उसके लिप्स को टच करती है उसे कुछ कुछ हो रहा था, और काम का बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। वो कहती है, इसे क्या हुआ। पूपा को जाते देख आंटी कहती हैं, प्रपाई ने अपनी जॉब छोड़ दी और अब वो बिना रेंट पे के यहाँ रहना चाहती है, कहीं वो हमारा कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रही, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। पूपा कहता है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे साथ बिना रेंट पे किए रह सकती है, तो इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन आंटी वाज लाइक, मेरा एक इनकम का सोर्स भी गया। टिनटिन कहता है, ये प्रपाई हमारे साथ ही रहेगी, और बहुत खुश था। ताकि बातें याद कर पूपा सोच रहा था कि वो प्रपाई के लिए आखिर क्या फील करता है, और फिर लव के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगा था, पर प्रोफेसर को देख छुपा लेता है। प्रोफेसर कहते हैं,
लव तो साइंस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शर्माओ मत, मैं तो अपने स्कूल टाइम पे लव एक्सपर्ट हुआ करता था। देन पूपा वास लाइक, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर कहता है, तुम्हें लव को प्रूव करना होगा, बिल्कुल साइंस की तरह। पहले ऑब्जर्व करो, फिर डाटा कलेक्ट करो और कंक्लूजन मिल जाएगा। वो कहता है, एक्सपेरिमेंट की तरह? प्रोफेसर हाँ करते हैं, पर मीना के आते ही दोनों चुप हो गए थे। वो पूछती है, आप लोग इतने सीरियस होकर क्या बात कर रहे थे? प्रोफेसर कहता है, एक्सपेरिमेंट की बातें। पूपा अपने एक्सपेरिमेंट की मुझे पल पल की खबर देते रहना। तो वो हाँ करता है। इधर आंटी प्रपाई के घर आ कहती हैं, मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो क्या मैं टिनटिन को एक दिन के लिए तुम्हारे घर छोड़ दूँ? समझो कि रेंट के बदले तुम मेरी हेल्प कर रही हो। टिनटिन कहता है, पर पूपा ने कहा था कि प्रपाई यहाँ बिना रेंट दिए भी रह सकती है। तो आंटी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती हैं। प्रपाई आंटी की हेल्प के लिए हाँ करती है। तो आंटी कहती हैं, थैंक यू, टिनटिन का इंग्लिश का होमवर्क है तो तुम वो भी करवा देना, और उससे बाय कर चली जाती हैं। पूपा घर आया था और फिर आवाज़ें सुन उसे लगता है कि प्रपाई किसी लड़के के साथ है, तो एकदम से गेट खोल जेलस पूपा कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तो टिनटिन का होमवर्क करवा रही थी, आंटी कहीं काम से बाहर गई हैं तो टिनटिन को एक दिन के लिए यहीं छोड़ गई। तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली टिनटिन का ध्यान रख लूँगी और तुम्हें इसे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। वो हाँ करता है। तो प्रपाई टिनटिन को इंग्लिश पढ़ाने लगी थी। टिनटिन को भूख लग रही थी तो प्रपाई के कहने पे पूपा टिनटिन के लिए खाना बनाता है। प्रपाई खुश होती है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। टिनटिन कहता है, मॉम डैड्स फूड इज़ अमेजिंग। ये सुन तो प्रपाई को खांसी आ जाती है और पूछती है, टिनटिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहता है, मैं बोलकर इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टीचर ने कहा था मॉम डैड के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने को। वो दोनों हैरान। फिर प्रपाई टिनटिन को अपने स्पून से खिला रही थी पर पूपा जेलस हो रहा था। रात में वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे और उनकी आवाज़ें पूपा को सुनाई आ रही थीं। प्रपाई कहती है, चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। जेलस पूपा भाग कर आ जाता है। टिनटिन प्रपाई को किस करने वाला था। वो कहता है, ये क्या कर रहे हो? वो दोनों हैरान क्योंकि उसके चिल्लाने से वो तो डर गए थे। पूपा सोचता है, डाटा नंबर वन, जब कोई और प्रपाई के क्लोज होता है तो मैं जेलस हो रहा हूँ, और कहता है, शोर मत करो मैं पढ़ रहा था। प्रपाई कहती है, चलो टिनटिन सोने चलते हैं, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूपा कहता है, रुको, तुम एक लड़की होकर एक लड़के को अपने रूम में कैसे सुला सकती हो? देन प्रपाई वास लाइक, अरे टिनटिन एक बच्चा है। वो कहता है, टिनटिन मेरे रूम में सो जाएगा। वो कहती है, पर तुम्हारा क्या, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? ओके, अगर रात में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जगा देना। तो पूपा टिनटिन को अपने रूम में सुलाने ले जाता है, पर रात में टिनटिन उसके फेस पे पैर रख के सो रहा था। मॉर्निंग में प्रपाई खाना बना रही थी तो टिनटिन कहता है, मॉम आज हम क्या खेलेंगे? तभी पूपा चाहता है और कहता है, शोर मत करना, मुझे काम पे ध्यान देना है। वो कहती है, ठीक है, तो मैं टिनटिन को बाहर घुमाने ले जाऊंगी, तब तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा ना? टिनटिन खुश होता है। पूपा कहता है, तुम दोनों अकेले कैसे जाओगे? अगर टिनटिन को रास्ते में टॉयलेट जाना होगा तो? इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी मुझे ज़्यादा काम नहीं है। और रेडी होने चले जाता है, पर प्रपाई और टिनटिन वास लाइक, ये चल क्या रहा है? फिर वो तीनों शॉपिंग करने मॉल आते हैं। जब वो केक देखने लगे थे तो प्रपाई और पूपा की नज़रें मिलती हैं। पूपा की हार्ट बीट बढ़ रही थी तो सोचता है, डाटा नंबर टू, इसके क्लोज होने से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो स्माइल करता है। प्रपाई खुश होकर केक खा रही थी। टिनटिन कहता है, मॉम मुझे भी खिलाओ ना, तो वो अपनी स्पून से उसे केक खिलाती है। पूपा के मुंह में पानी आ रहा था तो उसे देख टिनटिन कहता है, मॉम डैड को भी खिलाओ। प्रपाई कहती है, ये केक नहीं खाता। वो कहता है, ट्राई करने में क्या जाता है? तो प्रपाई वेटर से दूसरी फॉक मांगती है, बट पूपा उसका हाथ पकड़कर उसी फॉक से खुद केक खा लेता है। प्रपाई तो हैरान थी। पूपा कहता है, काफ़ी टेस्टी है, और सोचता है, डाटा नंबर थ्री, ये मुझे बदल रही है। प्रपाई शर्माकर अपना केक खाने लगी थी, पर टिनटिन वास लाइक, इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। वो तीनों शॉपिंग करने लगे थे तो पूपा बच्चों की एक यूनिवर्स बुक को देखने लगता है। इनफैक्ट वो बचपन में अपने एक फ्रेंड के साथ यूनिवर्स वाली बुक देखा करता था। प्रपाई उसकी बचकानी हरकतें देख हंस पड़ती है और कहती है, मैं भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसा किया करती थी, पर काश ये सब बुक के बाहर दिखे तो कितना मज़ा आएगा। वो कहता है, तुम्हारा मतलब होलोग्राम?
वो कहती है, हाँ हाँ जैसा मूवीज़ में होता है, अगर हम उन लोगों को देख सकें जो हमसे बहुत दूर हैं, भले ही ये वर्चुअल होगा पर फिर भी कितना अच्छा फील होगा। पूपा कहता है, मुझे एक आइडिया आया, मैं अपना प्रोजेक्ट होलोग्राम से बनाऊंगा ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। थैंक यू। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो वो शर्माकर अपना हाथ दूर कर लेती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि टिनटिन गायब है तो उसे ढूंढने लगते हैं। इधर टिनटिन एक लड़की को देख कहता है, मॉम तुम तो मॉम नहीं हो, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? तभी पूपा भाग कर आ कहता है, टिनटिन तुम ठीक तो हो ना, मैं कितना परेशान हो गया था। वो कहता है, सॉरी डैड। इनफैक्ट वो लड़की मीना थी जो कहती है, ये तुम्हारा बच्चा है? पूपा मना कर देता है। टिनटिन कहता है, डैड मॉम कहाँ हैं? तभी प्रपाई भाग कर आ टिनटिन को हक कर लेती है और उसे भी उसकी चिंता हो रही थी तो मीना पूछती है, क्या तुम दोनों इस बच्चे के मॉम डैड हो? प्रपाई कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। टिनटिन कहता है, मॉम डैड मुझे घर जाना है, चलो घर चलते हैं ना। तो प्रपाई और पूपा टिनटिन को अपने साथ ले जाते हैं। मीना तो हैरान थी, पूपा ने टिनटिन को गोद में उठा रखा था तो प्रपाई उसे गौर से देख रही थी पर फिर पूछती है, तुमने अपने सीनियर को सब बात बताई क्यों नहीं? कहीं वो हमें गलत ना समझे तो उसे सब बात बता देना, वरना तुम मुझ पर दोष लगाओगे। वो हाँ करता है तो वो मुंह बनाती है। फिर वो दोनों मिलकर टिनटिन को पढ़ा रहे थे तभी आंटी आ जाती हैं तो उन्हें देख कहती हैं, वाओ हैंडसम और स्मार्ट होने के साथ साथ पूपा को बच्चे भी पसंद हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे टिनटिन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? प्रपाई कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और टिनटिन को इशारा कर चुप करा देती है। पूपा कहता है, अगली बार अगर आप बिजी हो तो टिनटिन को हमारे साथ छोड़कर जा सकती हो। तो आंटी थैंक यू करती हैं और बाय बाय कर चली जाती हैं। तभी प्रपाई को कंपनी से फ़ोन आता है क्रिएटिव डायरेक्टर का, जो उसे जॉब के लिए कल मिलने बुलाता है। तो प्रपाई इतनी खुश होती है कि पूपा को हक करके नाचने लगी थी पर फिर अचानक से दूर होती है। दोनों ही शर्मा रहे थे तो वो भाग जाती है। पूपा सोचता है, डाटा नंबर 4, जब भी प्रपाई खुश होती है मुझे भी खुशी मिलती है। नेक्स्ट डे प्रपाई जॉब इंटरव्यू के लिए कंपनी जाती है। डायरेक्टर कहता है, तुमने एडवर्टाइजिंग से ग्रेजुएशन नहीं की इसलिए तुम्हें सब कुछ ज़ीरो से सीखना होगा। और प्रपाई तो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहती है इसलिए डायरेक्टर उसे जॉब पे रख लेता है तो वो बहुत खुश होती है और फे की हेल्प के लिए उसका थैंक यू करती है। फिर प्रपाई सोचती है, मैं पूपा को फ़ोन करके गुड न्यूज़ देती हूँ, नहीं ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा, क्यों ना मैं उसके लिए टेस्टी सा खाना बनाऊँ। इधर प्रोफेसर पूपा से पूछता है, एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है? वो अपनी फाइल दिखाने लगा था तो वो कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ। वो कहता है, मैं अभी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ पर कॉन्क्लूजन के लिए अभी श्योर नहीं हूँ। प्रोफेसर फाइल देख कहते हैं, ये तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? वो कहता है, नहीं नहीं ये इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं, अरे मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो पूपा हाँ करता है। तभी वहाँ मीना आती है और पूपा से पूछती है, वो बच्चा बहुत क्यूट था, क्या वो तुम्हारा बेटा है? पूपा कहता है, वो मेरी आंटी का बेटा है। वो पूछती है, प्रपाई तुम्हारे साथ क्यों थी, क्या तुम साथ में रहते हो? वो कहता है, प्रपाई भी आंटी को जानती हैं इसलिए वो टिनटिन का ख्याल रख रही थी, और बाय कर चला जाता है। इधर प्रपाई खाना बनाती हुई कहती है, खाना बनाना तो बहुत आसान है, बस इसे थोड़ा टाइम और पकने देना है, और गैस ऑन ही करके छोड़ जाती है। जब वो आकर देखती है कि खाने में आग लग गई तो वो उसे बुझाने लगी थी पर उसे बुझ ही नहीं रही थी और पूरे घर में धुआं ही धुआं, जिससे फायर अलार्म बच पड़ता है। बिल्डिंग के लोग सब बाहर भागने लगे थे। इतने में पूपा भी वहाँ आ जाता है तो अंदर भागने लगा था। आंटी उसे बताती हैं कि ऊपर आग लग गई पर प्रपाई नीचे कहीं भी नहीं थी तो पूपा उसे बचाने भागता है। अंदर प्रपाई बेहोश पड़ी थी तो वो उसे उठाकर ले जाता है। आंटी प्रपाई से कहती हैं, प्रपाई आगे से केयरफुल रहना, क्या होता अगर पूपा टाइम पे तुम्हें बचाने ना जा पाता? पूपा कहता है, इट्स ओके उसे और मत डांटिए, ये ऑलरेडी काफ़ी डरी हुई है। प्रपाई कहती है, सॉरी मैं तो बस अपने हाथों का खाना बनाकर पूपा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी, पर मुझे क्या पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आंटी कहती हैं, ओके ओके रो मत, अच्छा हो किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, और चली जाती हैं। प्रपाई पूपा से माफ़ी मांगती है तो पूपा उसे छुपाता है और सोचता है, डाटा नंबर 5, हम जिसे लव करते हैं
उसके बाकियों से ज़्यादा केयर करते हैं। प्रपाई कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारा किचन ख़राब कर दिया। वो कहता है, तुम बार बार सॉरी मत बोलो, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा एक्सीडेंट हो, है ना। वो कहती है, मैंने मान लिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो कहता है, फिर तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, चलो अब सैड मत हो, तुम्हें आज जॉब मिली है ना, तो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वो कहती है, ठीक है पार्टी मेरी तरफ से, और नूडल्स ऑर्डर करती है, तो दोनों चीयर करके खाते हैं। रात में जब प्रपाई सो रही थी तो कुछ आवाज़ें सुन बाहर आती है, तो देखती है कि पूपा की तबीयत खराब हो गई है। इनफैक्ट स्पाइसी नूडल खाने की वजह से पूपा को लूज मोशन हो गए थे, तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है। वो कहता है, इट्स ओके। वो कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ। वो कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि पूपा को फूड पॉइजनिंग हो गई, इसलिए उन्हें पूपा को इंजेक्शन लगाना होगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही पूपा की टाँ टाँ फिस हो गई थी, और कहता है, मैं ठीक हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर नर्स तो इंजेक्शन लगाने वाली थी। प्रपाई पूछती है, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है। वो मना कर देता है, पर फिर इंजेक्शन की सुई दे कहता है, हाँ हाँ मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। वो हंसकर कहती है, कोई नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि परफेक्ट पूपा को इंजेक्शन से डर लगता है, डरो मत बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। नर्स इंजेक्शन लगा देती है तो प्रपाई कहती है, देखा दर्द नहीं हुआ ना। नर्स की थी मेडिसिन प्रपाई उसे खिलाने लगी थी, पर पूपा को तो मेडिसिन से भी डर लगता है। वो हंस पड़ती है, तो वो कहता है, ये मजाक की बात नहीं है, एक बार मेडिसिन गले में फंसने से मैं मरते मरते बचाऊँ। वो कहती है, डरो मत बेबी, देखो देखो इधर देखो, और उसका मुंह पकड़ सारी मेडिसिन उसके मुंह में पलट देती है। वो उल्टी करने वाला था तो वो उसे पानी पिला देती है। वो कहता है, तुम तो बहुत बड़ी धोखेबाज हो। वो कहती है, मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और फिर उसे उठाकर घर ले जाती है। नेक्स्ट डे प्रपाई अपनी जॉब पर जा रही थी, पूपा ठीक हो गया था कॉज प्रपाई ने उसे ज़बरदस्ती दवाई जो खिला दी थी, तो वो उसका थैंक यू करता है और फिर जॉब के लिए उसे गुड लक करता है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में आकर प्रपाई बहुत खुश होती है। डायरेक्टर बताता है कि इस बार उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जिसके लिए उन्हें एक सेलिब्रिटी को बुलाना होगा मॉडल बनने के लिए। स्टाफ में सबके पास ऑलरेडी काम था, तो सेलिब्रिटी का ध्यान रखने वाला काम प्रपाई को दे दिया जाता है। प्रपाई का फर्स्ट टास्क था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। प्रोफेसर किसी मीटिंग में गए थे, इसलिए मीना और पूपा लैब में अकेले थे, तो मीना जानबूझकर पूपा से हेल्प मांगती है ताकि वो उसके क्लोज हो सके। तभी वहाँ पूपा के फ्रेंड आ जाते हैं, कैन और टैन, क्योंकि पूपा ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट में हेल्प के लिए बुलाया था। उन दोनों को देख मीना वहाँ से चलती बनती है। इधर सेलिब्रिटी के आते ही उसकी फैन गर्ल्स चिल्लाने लगी थी, और उस सेलिब्रिटी का नाम टाइम है, जो इस ड्रामा का थर्ड मेल लीड है। प्रपाई टाइम के लिए कपड़े चूज़ कर रही थी, पर गलती से टाइम से टकरा जाती है, तो वो सॉरी बोलती है, बट वो तो उस पर चिल्लाने लगा था कि कंपनी वालों ने किसी प्रोफेशनल के बजाय क्लम्सी सी लड़की को मेरी केयर करने के लिए रखा है। प्रपाई उससे माफ़ी मांगती है कि मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ कंपनी में किसी को मत बताना। तो टाइम अपने मैनेजर को प्रपाई की शिकायत नहीं करता। शूट के दौरान फोटोग्राफर बार बार टाइम को पोज चेंज करने को बोल रहा था, इसलिए टाइम चिढ़ा हुआ था, और टाइम और फोटोग्राफर में अनबन हो जाती है। प्रपाई उन दोनों को शांत करती है, पर टाइम तो शूट के लिए ही मना कर देता है। प्रपाई जानती थी कि उसे कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा जिससे टाइम और फोटोग्राफर दोनों ही खुश हों, इसलिए फोटोग्राफर से कहती है, क्यों ना हम फर्स्ट शूट में टाइम को अपनी मर्जी से फ्रीली पोज करने दें ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए, और फिर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पोज करवा लेंगे। तो फोटोग्राफर मान जाता है। उसका यह आइडिया टाइम को भी काफ़ी पसंद आया था, और वो भी मस्त होकर पोज देता है। कैन और टैन ने पूपा का दिया काम कर दिया था, और कहते हैं, कोई और काम हो तो बता। पूपा कहता है, इनफैक्ट मुझे तुम दोनों की एक काम में हेल्प चाहिए थी, और अपना लव एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें उसने अपना सारा डाटा लिखा था। वो दोनों कहते हैं, तू एक बच्चे से जेलस हो गया था। वो कहता है, भले ही वो बच्चा था पर है तो लड़का। डाटा नंबर 2 और 3 पढ़कर तो कैन और टैन उसे टीज करने लगे थे। वो पूछता है, अब ये बताओ कंक्लूजन क्या है। वो कहते हैं, तू जैसे जीनियस को कंक्लूजन ना पता हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूपा समझ आता है कि वो प्रपाई को लाइक करता है। वो दोनों पूछते हैं, बता वो लड़की कौन है। पूपा नहीं बताता और पूछता है, अब मुझे आगे करना चाहिए।
तभी आवाज़ आती है उस लड़की को पटाना शुरू कर दे। इनफैक्ट वो तो प्रोफेसर थे। पूपा पूछता है लड़की को कैसे पटाते हैं। देन प्रोफेसर वॉज लाइक वॉट एंड फ्रेंड्स वॉज लाइक इस जीनियस का कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की टाइम की ऑटोग्राफ लेना चाहती थी पर पपाई उसे समझाती है कि टाइम से स्टाफ के अलावा कोई और नहीं मिल सकता। जब वो लड़की कहती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और टाइम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे उसकी ऑटोग्राफ ला दो, तो पपाई का दिल पिघल जाता है और वो उसकी हेल्प के लिए हाँ कर देती है। फिर वो टाइम के ऑटोग्राफ लेने चाहती है पर वो मना कर देता है क्योंकि ये उसकी शेड्यूल में नहीं था। वो कहती है तो मैं उस लड़की को क्या कहूँगी, उसे कितना बुरा लगेगा। वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं और चला जाता है। तो पपाई को गुस्सा आता है कि टाइम अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी नहीं दे सकता और टाइम के ऑटोग्राफ कॉपी करके उस लड़की को दे देती है। इधर प्रोफेसर पूपा को लड़की पटाने के तरीके बता रहे थे और कहते हैं सबसे पहले तो लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा कर तू उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछ। वो कहता है पर मैं क्यों कॉल करूँ, आज शाम को तो हम मिलने वाले हैं। सबके सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वो कहता है हाँ मैं करता हूँ कॉल और पपाई को कॉल कर पूछता है तुम कैसी हो। वो कहती है मैं जरा शूट में बिजी हूँ तो बाद में बात करेंगे और एकदम से फ़ोन काट देती है। ये ट्रिक तो बिल्कुल भी काम नहीं करी थी। तो प्रोफेसर कहते हैं उसे मैसेज कर। तो पूपा उसे मैसेज करता है बाहर काफ़ी डस्ट है और काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं तो तुम अपना ख्याल रखना। देन पपाई वॉज लाइक इससे क्या हो गया, इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा है। पीछे प्रोफेसर और उसके फ्रेंड्स पूपा के लव एक्सपेरिमेंट के लिए सीक्रेट मिशन का नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चैट स्टार्ट कर देते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर पूपा का क्रश है कौन सी लड़की। बाहर टाइम की फैन गर्ल्स शोर मचा रही थीं तो टाइम का मैनेजर बताता है कि टाइम यहाँ सिर्फ काम के लिए आया है, वो किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। पर फैन गर्ल्स कहती हैं तो उस लड़की को ऑटोग्राफ कैसे मिल गए, ये तो बाकी के साथ भेदभाव हो रहा है। मैनेजर कहता है ये टाइम के ऑटोग्राफ नहीं है, ज़रूर फेक होंगे। वो लड़की कहती है ये फेक नहीं है, मुझे एक स्टाफ गर्ल ने टाइम के ऑटोग्राफ ला कर दिए थे। और प्रपाई की तरफ इशारा करती है तो सब गर्ल्स प्रपाई पर चिल्लाने लगी थीं। तभी टाइम आकर कहता है मेरा आज का शूट ख़त्म हो गया है तो मैं सबको अपने ऑटोग्राफ दूंगा, थोड़ा वेट करिए। तो सब फैन गर्ल्स खुश हो जाती हैं। प्रपाई डायरेक्टर से सॉरी मांगती है तो मैनेजर टाइम से कहता है सॉरी हमारी वजह से ऑटोग्राफ देने में तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम कहता है मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि साइन मैं करूँगा। और पपाई की तरफ देखता पपाई बैठी टाइम के साइन कर रही थी। तभी पूपा उसे मैसेज कर घर चलने को पूछता है बट वो कहती है मैं काफ़ी बिजी हूँ तो तुम घर चले जाओ। वो कहता है इट्स ओके मैं वेट कर रहा हूँ। पूपा एक हर्ट वाला मास्क लेकर पपाई को देने जा रहा था पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तो पूपा कहता है मुझे अपने फ्रेंड को कुछ देना है। गार्ड कहता है उसका नाम क्या है, मैं उसे दे दूंगा। पूपा कहता है प्रपाई उसकी हाइट इतनी है, उसकी स्माइल बहुत ब्राइट है, सीधे सीधे बोलो तो वो बहुत क्यूट है। तो गार्ड उसका मास्क ले जाता है और फिर प्रपाई को देख कहता है क्या तुम ही प्रपाई हो। वो हंसती है तो कहता है तुम्हारी स्माइल तो सच में बहुत ब्राइट है, उसने सही कहा था। और मास्क देकर चला जाता है। तभी टाइम आकर कहता है तुम तो बिल्कुल मेरे ऑटोग्राफ की कॉपी कर लेती हो, बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और हाँ ऑटोग्राफ के साथ साथ सब फैंस को ये मास्क भी दे देना। वो हाँ करती है। वो पूछता है तुम ये सारे साइन कर लोगी। वो कहती है हाँ, अब मुझे पता चला कि तुम ऑटोग्राफ के लिए मना क्यों कर रहे थे, सॉरी मैंने ये बात सोची नहीं। तो टाइम भी उन फोटोज़ पे साइन करने लगा था, वो उसे मना कर रही थी पर वो फिर भी करने लगा था। और कहता है पहले जैसा लग रहा है, जब मेरे बहुत कम फैन थे तो मैं हर एक ऑटोग्राफ खुद से करता था। फिर वो पूपा वाला मास्क भी बाकी मास्क में रख देता है। प्रपाई उस मास्क को ढूंढ रही थी पर वो फिर सब फैन गर्ल्स को ऑटोग्राफ और मास्क बांटती है। वहीं खड़ा पूपा प्रपाई को देख रहा था पर उसे देख टाइम सोचता है मेरे मेल फैंस भी हैं। जाते वक्त टाइम प्रपाई को अपनी कार में घर छोड़कर आने का ऑफर देता है पर प्रपाई कहती है थैंक यू बट मेरा फ्रेंड ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है। तो टाइम चला जाता है। पूपा को देख फैन गर्ल्स उसे हैंडसम बोल रही थी पर एक गर्ल के हर्ट मास्क लगा देख पूपा को लगता है कि वो प्रपाई होगी पर वो तो कोई और लड़की थी। तो वो सॉरी बोलता है और फिर पपाई के आते ही उससे पूछता है तुम्हारा मास्क कहाँ है जो मैंने तुम्हें भेजा था। वो कहती है अच्छा वो तुमने दिया था, और एक मास्क निकाल कर लगा लेती है। वो कहता है ये वो वाला नहीं है,
वो कहती है, सब सेम ही तो होते हैं, चलो घर चलो। वो कहता है, वो सेम नहीं था, और मास्क लगाकर चला जाता है। रात में पपाई को वावा का कॉल आता है, जो रोती हुई बताती है कि ताम मुझसे बात नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? पपाई कहती है, तू रो मत, मैं पहले से जानती थी कि ता कैसा है, वो कभी नहीं बदल सकता। वो कहती है, मैं भी ये जानती हूँ, पर उसे भूलना इतना आसान नहीं है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर ता को भी वावा की याद आ रही थी, और देखता है कि वावा ने फाइल्स में उसके लिए नोट लगा रखे हैं, आई मिस यू, एग्जाम में अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट डे प्रपाई शूट की अरेंजमेंट करवा रही थी, तभी टाइम उसे बुलाता है, तो मैनेजर उसे कहता है, इस बार कोई गलती मत कर देना। प्रपाई टाइम के पास आकर उससे काम पूछती है, बट वो कहता है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम आज आई हो या नहीं, अब जाओ। वो गुस्से से चली जाती है, बट वो फिर से उसे बुलाकर कहता है, मुझे भूख लगी है, तो वो उसके लिए लंच लेकर आती है, पर वो जो भी लेकर आती वो उसे मना कर देता, और बार बार उससे चीज़ें मंगवाकर उसे परेशान करने लगा। तो प्रपाई अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल कर रही थी, और हम देखते हैं टाइम प्रपाई में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। जब पूपा बुकशॉप में था, तो दो बॉयज़ बातें कर रहे थे कि इस बुक की वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पटा पाया था। पूपा उनकी बातें सुन लेता है, और उस बुक को देख सोचता है, ऐसी सिर्फ एक ही बुक बची है, यानी ये सच में काम करती होगी, और वो बुक बाय कर लेता है। एक लड़की प्रपाई को आकर बताती है कि जो लड़की टाइम के साथ मॉडल बनने वाली थी वो अभी तक नहीं आई, और टाइम उसका वेट करने को मना कर रहा है, कहीं वो शूट बीच में छोड़कर ना चला जाए तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। तभी टाइम आकर कहता है, मैं जा रहा हूँ। प्रपाई परेशान थी, और टाइम को रुकने के लिए मिन्नतें करने लगी थी, वो नहीं मानता, तो कहती है, प्लीज़ शूट बीच में छोड़कर मत जाओ, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो काम ज़रूर करूँगी। वो कहता है, ओके, क्या तुम मेरी हर बात मानोगी? प्रपाई तो हैरान थी, पर स्टाफ के कहने पे उसे हाँ करनी पड़ती है। फिर शूट के लिए टाइम प्रपाई को अपना रिहर्सल पार्टनर बनने को कहता है, वो पहले तो मना करती है, बट फिर उसे उसकी बात माननी पड़ती है, और टाइम के साथ रिहर्सल शूट करती है। इतने में वहाँ फीमेल मॉडल आ जाती है, जिसने आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, और कहती है, मेरी जगह इस बॉनी को खड़ा क्यों कर दिया? टाइम कहता है, अगर तुम सही समय पर आई होती तो इस बॉनी को तुम्हारी जगह खड़ा नहीं होना पड़ता। देन प्रपाई वाज लाइक, बॉनी? वो कहती है, मैं अब तो आगे हूँ ना, तो शूट स्टार्ट करो। पर टाइम जानबूझ के वॉशरूम चला जाता है, और प्रपाई उसके पीछे पीछे। इधर पूपा, जिसे स्पाइसी सॉस से बदबू आ रही थी, फिर भी प्रपाई के लिए वो बाय कर लेता है। पूपा को जाते हुए टाइम देख लेता है, और उसे याद आता है कि पूपा उसका मेल फैन है, तो खुद ही उसका फ़ोन मांग कर उसके साथ सेल्फी ले लेता है। बट पूपा वाज लाइक, वेट अ मिनट, हु आर यू? पूपा को जाते हुए प्रपाई देख लेती है, पर पूपा ने उसे नहीं देखा था, और इतने में टाइम प्रपाई के पास आ जाता है और पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो कहती है, ऐसा लगा जैसे यहाँ मेरा फ्रेंड था। वो कहता है, ये नहीं हो सकता, जरूर मेरे हैंडसम लुक की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा। पहले तो प्रपाई उसकी बातों में आ जाती है, बट फिर कहती है, शूट स्टार्ट होने वाला है तो चलो। शूट के ब्रेक में प्रपाई टाइम को पानी देने आती है, तो वो उसे ही उसे पिलाने को कहता है। वो पिलाने लगी थी, जो दूर से पूपा देख लेता है, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे थक के प्रपाई घर आती है, वो एक बुक पे बैठ गई थी, इनफैक्ट ये वही लड़की पटाने वाली बुक थी, तो उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारी है? पूपा भाग कर आ उसे बुक छीन लेता है। वो पूछती है, तुम किस लड़की को पटाना चाहते हो? वो कहता है, ये मेरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है, वो भूल गया था, और बुक लेकर भाग जाता है। रात में वो बुक पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था, लड़की को ऐसा गिफ्ट दो जिससे उसका दिल जीत सको। पूपा को याद आता है कि प्रपाई को कलरफुल और सॉफ्ट सी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उसे एक आइडिया आता है। मॉर्निंग में प्रपाई को पूपा का फ़ोन आता है, वो जैसे ही गेट खोल कर देखती है, पूपा उसके लिए गिफ्ट लेकर बाहर खड़ा था, तो वो पूछती है, तुमने फ़ोन क्यों किया, गेट क्यों नहीं खटखटाया? वो कहता है, उन्होंने कहा था बार बार कॉल करने को। वो कहती है, उन्होंने किसने, तुम्हें कुछ कहना है? वो कहता है, आज 14th मार्च है, ये लो गिफ्ट। प्रपाई सोचती है, 14th मार्च यानी वाइट डे, और गिफ्ट लेकर खुश होती है। पर जब गिफ्ट खोलती है तो देखती है पिंक कलर के सॉफ्ट से पीलो पे जिसपे पाई लिखा था, तो पूछती है, ये क्या है? वो कहता है, तुम्हें पसंद आया, आज स्पेशल डे है, वर्ल्ड पाई डे, और आज आइंस्टीन का बर्थडे भी है।
प्रपाई हैरान और फिर देखती है पिलो के दूसरी साइड पे आइंस्टीन का फोटो भी है, तो कहती है वापस लो इसे, मुझे नींद आ रही है तो डिस्टर्ब मत करना। वो कहता है तुम्हें नहीं चाहिए, पर वो गुस्सा होकर गेट बंद कर देती है। देन पूपा वाज लाइक उसे पसंद क्यों नहीं आया। प्रपाई को गुस्से में देख वावा रीजन पूछती है, तो वो कहती है मुझे ना एक अजीब इंसान ने एक अजीब ही गिफ्ट दिया। वावा कहती है कौन है वो, क्या वो तुझे लाइक करता है। प्रपाई कहती है पागल हो गई क्या, ये इम्पॉसिबल है। वावा कहती है तो वो तुझे गिफ्ट क्यों देगा, एक लड़का एक लड़की को तभी गिफ्ट देता है जब वो उसे लाइक करे। वो कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे लाइक करता होगा, वो तो हमेशा अपनी कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट में बिजी रहता है, पता नहीं उसे पता भी होगा कि नहीं कि लव होता क्या है। वावा कहती है कहीं वो तुझ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा। पर फिर ताकि बातें कर सैड होने लगती है। प्रपाई कहती है तुझे उससे ओवर हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता ता तेरे प्यार के लायक है। वावा ब्रेकअप से डर रही थी, तो वो कहती है कोई नहीं मैं तेरे साथ चलूंगी। इधर ता अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी वावा आकर उसे बुलाती है। वो कहता है क्या तुम कल फ्री हो, पर वावा तो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। ता थोड़ा सैड था पर फिर से अपने फ्रेंड्स के कहने पे बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। बट वावा प्रपाई से कहती है मैंने उसे ब्रेकअप किया तो मैं ही क्यों सैड हो रही हूँ। प्रपाई उसे हक करके कंसोल करती है और वो रो रही थी। पूपा के फ्रेंड्स बातें कर रहे थे कि जरूर प्रपाई पे ही पूपा का क्रश होगा, और मीना के बाहर जाते ही पूपा से पूछते हैं तुझे अपने लव वेरिएबल का पता चला, तेरा एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है, वो भी साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं लव एक्सपेरिमेंट। पूपा कहता है ठीक ठाक चल रहा है। फ्रेंड्स पूछते हैं फिर भी कैसा, रोमांटिक चीज ही बताना कैसा। वो कहता है वो मुझे हेलो पूपा बाय पूपा करती रहती है। फ्रेंड कहता है तुझसे बेटर तो मेरा ही गार्ड के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप होगा, तू इतना हैंडसम होकर लव में लूजर क्यों है। पूपा पूछता है तो मैं वेरिएबल को समझने के लिए और क्या करूं। तभी मीना आकर कहती है वेरिएबल की प्रॉपर्टीज और नेचर देखना पड़ेगा, वैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर सबके सब चुप होकर बैठ जाते हैं। पूपा सोचता है प्रपाई का वेरिएबल उसकी बेस्ट फ्रेंड वावा है, वो ज्यादातर वावा के लिए ही सैड और हैप्पी होती है। प्रपाई जैसी घर आती है पूपा ने प्रपाई की पसंद का खाना बनाया था, वो खुश होती है पर फिर पूछती है तुम्हारे पास स्पाइसी सॉस कैसे आई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मैंने ऐसी ले ली थी, तुम्हें खानी हो तो खा लो। तो वो मजे से खाने लगती है। पूपा पूछता है तुम्हारी फ्रेंड कैसी है। प्रपाई कहती है फ्रेंड कौन, वावा, तुम्हें भी पता चल गया कि वावा अपने ब्रेकअप की वजह से सैड है। वो कहता है हाँ सैड से हैप्पी होने का एक ही तरीका है, अगर उसका रिप्लेसमेंट बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया जाए। प्रपाई कहती है क्या तुमने ये उसी बुक से पढ़ा है, किसी और की बुक से पढ़ना सही नहीं है। वो कहता है मैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा था, और उठ के चला जाता है। प्रपाई सोचती है एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट उसे वावा की वही बात याद आती है कि वो तुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो वो सैड होती है। पूपा प्रपाई स्टार्टिंग वाला फर्स्ट शूट देखने आए थे, तो प्रपाई कहती है उस टाइम मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुमने मुझे छोड़कर उस गिफ्ट को बचाया था। वो कहता है पर आगे से मैं पहले तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो वो खुश होती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि पूपा एक लड़की को डांट रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ही शूट रिलीज होने में डिले हो गया था। तो प्रपाई को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, और कहती है तुम हमेशा ही अपनी गर्लफ्रेंड बदलते रहते हो, कब सुधरोगे। वो कहता है शायद मैं किसी की केयर करने के लायक नहीं, तभी तो सब मुझसे दूर चले जाते हैं। प्रपाई कहती है अभी भी लेट नहीं हुआ, अगर तुम सच में वावा को लाइक करते हो तो उसे जाने मत देना। वो थैंक यू करता है। वो कहती है इट्स ओके, तुम हमेशा मेरे फ्रेंड रहोगे। फिर ता पूपा और प्रपाई को बाय कर जाने लगा था, तो पूपा कहता है ता क्या तू मुझे वावा का नंबर दे देगा। ता हैरान था, और प्रपाई को लगता है कि पूपा वावा को लाइक करता है। तभी वो कल रात उससे वावा के बारे में बात कर रहा था, तो सैड होती है। पूपा वावा के साथ था, तभी ता आकर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा इंसान निकलेगा, मुझे लगा तू कहेगा तू प्रपाई को लाइक करता है। और वावा तुम्हें बता दूं पूपा प्रपाई को लाइक करता है। वो कहती है हाँ मुझे अभी पता चला। वो कहता है तुम्हें पता है फिर भी तुम ऐसा कर रही हो, प्रपाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, और तुमने अभी अभी ब्रेकअप किया है तो इतनी जल्दी फ्लर्ट करना कैसे स्टार्ट कर सकती हो। पूपा कहता है बस कर यार, इसी वजह से तो मैं वावा की हेल्प लेने आया हूँ, ताकि प्रपाई को इम्प्रेस कर सकूँ।
देन तावास लाइक, अच्छा ये बात थी, तो मुझसे पूछ लेता, मैं तो प्रोपाई को वावा से भी पहले से जानता हूँ। पूपा पूछता है, प्रोपाई को कैसे लड़के पसंद हैं? ता कहता है, बिल्कुल मेरे जैसे। देन वावा वास लाइक, हो गई इसकी बकवास शुरू। वो कहता है, मजाक कर रहा था, पर मेरी तुझसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो क्यों ना मैं तुझे लड़कियों का दिल जीतना सिखाऊँ। वावा कहती है, दिल जीतने के बाद उनका ख्याल रखना भी तुम्हें आना चाहिए। इनफैक्ट वो ता पर टॉन्ट कर रही थी। पूपा कहता है, तो मैं किससे स्टार्ट करूँ? वावा कहती है, क्यों ना सबसे पहले अपने लुक्स को चेंज करो, जो प्रपाई को पसंद आए। प्रपाई बैठी थी, तभी पूपा का न्यू लुक देख वो तो उसे देखती रह गई थी और पूछती है, इतना रेडी शेडी होकर कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, कहीं नहीं, बस ऐसे ही लुक्स चेंज किया। प्रपाई सोचती है, लुक्स भी चेंज कर रहा है, अब तो कन्फर्म हो गया कि इसे लव हो गया है। पूपा पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम्हें पसंद आया? वो कहती है, मुझे नहीं पता। देन पूपा वॉज लाइक, मेरा लुक काम क्यों नहीं कर रहा? तो बेचारा चला जाता है और उन्हें बताता है कि ये टेक्निक तो काम ही नहीं करी। ता कहता है, कहीं वो मुझसे ओवर ना हुई हो, सॉरी माई फ्रेंड। वावा और पूपा उसे घूर रहे थे तो ता अपना हाथ पीछे करके कहता है, सॉरी। वावा पूपा को नेक्स्ट स्टेप बताने वाली थी, पर ता कहता है, लड़कियों के तरीके काम नहीं करते, तो अब लड़कों के तरीके आजमा के देख। इधर प्रपाई टाइम को शूट पे चलने को बोलती है, तो वो कहता है, ओके नौकर, और शूट पे चला जाता है। ब्रेक में कोई और लड़की उसकी हेल्प के लिए आती है, बट वो तो अपने नौकर को ही बुलाता है हर काम के लिए। जब वो उसे पानी पिलाने आती है तो उसके क्लोज होकर उसके फेस पे लगा तिनका हटा रही थी, बट टाइम तो शौक में था। प्रपाई को जाता देख फीमेल मॉडल भी प्रपाई से अपना पानी मंगवाती है, बट टाइम कहता है, नहीं तुम जाकर अपना काम करो, और फीमेल मॉडल से कहता है, सिर्फ मैं ही उस पर हुक्म चला सकता हूँ, और बहुत खुश हो रहा था, बट फीमेल मॉडल चिड़ी हुई थी। इधर ता पूपा को क्लब में ले आया था और उसे दिखाता है कि वहाँ लड़के लड़कियों को कैसे पटाते हैं। कुछ लड़के एक टल्ली लड़की को लेकर जा रहे थे, तो पूपा जाकर उन लड़कों को रोकने लगता है। फिर क्या वो लड़के पूपा को पंच करने वाले थे, जो ता को लग जाता है। प्रपाई घर जा रही थी तो टाइम कहता है, आज तुम्हें कोई नहीं लेने आया, तो क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दूँ? वो कहती है, नो थैंक्स, मैं खुद ही चली जाऊँगी। टाइम उसका हाथ पकड़ने लगा था तो प्रपाई उसका हाथ पकड़ ही मोड़ देती है और कहती है, क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें लगता है हर लड़की तुम्हें लाइक करती है? टाइम वॉज लाइक, लगता तो अभी तक यही था। प्रपाई को एक फ़ोन आता है तो वो परेशान सी लग रही थी और जल्दी से क्लब भाग कर कहती है, तुम लोगों ने फाइट की? पूपा तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, मैं ठीक हूँ। प्रपाई कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी। देन ता वॉज लाइक, फाइट में मैं पिटा हूँ तो चोट तो मुझे ही लगेगी ना। इनफैक्ट वहाँ पुलिस आ गई थी, पर वो दो लड़के मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो उस लड़की को छेड़ रहे थे। पूपा पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो तो उस लड़की को बचा रहे थे, बट पुलिस तो उन्हें सीधा थाने चलने को बोल रही थी। प्रपाई बीच में ही बोलने लगी थी तो क्लब ओनर उल्टा उसे ही सुनाने लगा था। टाइम कहता है, अगर एक सेलिब्रिटी आकर तुम्हारे क्लब का रिव्यू देगा तो तुम्हारा क्या कहना है? और उसे अपने गॉगल्स नीचे कर दिखाता है। क्लब ओनर कहता है, पुलिस ऑफिसर, हम प्रूफ के लिए एक सीसीटीवी कैमरा में देख लेंगे और उस लड़की से भी बात कर सकते हैं। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। पूपा टाइम को कहता है, थैंक यू एक लड़की की हेल्प करने के लिए। टाइम कहता है, थैंक्स मत करो, मैंने उस अनजान लड़की की हेल्प नहीं की, मैंने तो। और प्रपाई की तरफ देखता है। पूपा कहता है, चलो प्रपाई घर चलो। टाइम कहता है, कौन से घर? प्रपाई कहती है, वो हम दोनों का घर सेम डायरेक्शन में है ना। और उसे बाय कर पूपा के साथ चली जाती है। टाइम कहता है, पूपा तुझे तो मैं देख लूँगा। ताको अपनी चोट में बहुत दर्द हो रहा था तो वावा कहती है, अच्छा तो ये होते हैं लड़कों के तरीके, यह क्लब जाने का एक बहाना था। पूपा कहता है, कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूँ, और ऊपर से प्रपाई ने मुझे क्लब में देख लिया, अब तो वो मुझे और भी गलत समझेगी। वावा कहती है, एक और प्लान है, मुझे पक्का यकीन है ये ज़रूर काम करेगा, रोमांटिक डेट का। तुम पहले उसे बहाने से खाने पे ले जाना, और फिर जब तुम दोनों वहाँ अकेले होंगे तो प्रपाई को कन्फेस कर देना, मैं 100% श्योर हूँ कि वो तुम्हें रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगी। पूपा सिर हिलाता है। इधर प्रपाई सोचती है, पूपा वावा को लाइक करता है, इसलिए वो मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रहा होगा। तभी उसे पूपा का मैसेज आता है, क्या तुम कल फ्री हो? प्रपाई सोचती है,
अगर मैंने उसे अभी इतनी जल्दी रिप्लाई दे दिया तो उसे लगेगा मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। थोड़ा वेट करती हूँ। और फिर मैसेज करती है, हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या काम है। वो कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना है। वो कहती है, कहाँ, डेट पर? देन पूपा वॉज लाइक, इसे कैसे पता चल गया? प्रपाई सोचती है, मैं तो सिर्फ पूपा का एक एक्सपेरिमेंट हूँ। और उसके रूम में आकर कहती है, हे तुम किसी को लाइक करते हो ना, तुम मुझे अगर अपना डेट एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते हो तो सीधे सीधे बता दो ना, मुझे ऐसे यूज़ मत करो, वरना तुम जेंटलमैन नहीं बन पाओगे। पूपा पूछता है, तो क्या तुम मेरी डेट पार्टनर बनोगी? प्रपाई हाँ करके चली जाती है। तो पूपा बहुत खुश होता है। नेक्स्ट प्रपाई रेडी होकर आती है और पूपा भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था, तो वो सोचती है, वाओ ये तो बहुत औसम लग रहा है, खुद पे कंट्रोल कर पाई। पूपा उसके क्लोज आता है तो वो नर्वस हो रही थी, बट वो तो उसका नेकलेस ठीक करने लगा था। वो कहती है, मुझे भूख लगी है तो जल्दी चलो। फिर वो उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्रपाई कहती है, ये जगह तो मस्त है, तुम पास हुए, पर यहाँ पे कोई और क्यों नहीं है? पूपा के कहने पे वेटर उन्हें सर्व करने आता है। इनफैक्ट पूपा ने प्रपाई के लिए स्पेशल डिश बनवाई थी जो उसे बहुत टेस्टी लगती है। वो कहती है, अरे मैं खाने से पहले फ़ोटो लेना तो भूल ही गई, क्या तुम्हारी वाली डिश की ले लूँ? और उसकी डिश की फ़ोटो ले लेती है। फिर कैमरे में पूपा को देखने लगी थी और कहती है, तुम तो फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट होते जा रहे हो, लगता है काफ़ी मेहनत की है। जिस लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो वो कितना स्पेशल फील करेगी, मुझे तो जेलसी हो रही है। वो कहता है, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लड़की। प्रपाई उसे गौर से देखने लगी थी तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो था टाइम, जो उसे मिलने बुलाता है। वो कहती है, आज मैं छुट्टी पे हूँ तो मुझे परेशान मत करो। वो कहता है, भूल गई, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, अगर तुम 15 मिनट में मेरी भेजी लोकेशन पे नहीं पहुँची तो तुम्हें तुम्हारे बॉस का कॉल आ जाएगा। वो कहती है, अभी पहुँचती हूँ। और देखती है टाइम ने उसे अम्यूजमेंट पार्क बुलाया है। तो पूपा से कहती है, सॉरी मुझे एक ज़रूरी कॉल आया है तो जाना होगा, और भाग जाती है। पर वो अपना फ़ोन टेबल पर रखा भूल गई थी जो पूपा देख लेता है। प्रपाई टाइम से कहती है, मुझे लगा तुमने शूट के लिए बुलाया होगा। वो कहता है, नहीं तो मैं तो बस तुम्हारे साथ एम्यूजमेंट पार्क घूमना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना। प्रपाई कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? वो कहता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ मज़े करने के लिए बुलाया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी डेट ही खराब कर दी हो। प्रपाई मना कर वहाँ से जाने लगी थी। वो कहता है, तुम सच में जा रही हो? पर तुमने तो कहा था तुम मेरी हर बात मानोगी। वो कहती है, मेरा मतलब था काम से रिलेटेड बात। वो कहता है, पर मेरा मतलब हर चीज़ से था। ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं नेक्स्ट शूट करूँगा या नहीं करूँगा। इनफैक्ट वो प्रपाई को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पूपा आकर प्रपाई का हाथ छुड़वा देता है। प्रपाई हैरान, पर टाइम और पूपा एक दूसरे को घूर रहे थे। पूपा कहता है, लगता है तू बार बार प्रपाई को कॉल कर परेशान करता है, तो मैं प्रपाई को अपने साथ वापस लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी किसी काम में बिजी थे। टाइम कहता है, आज प्रपाई का काम है मेरे साथ एम्यूजमेंट पार्क में घूमना। उन दोनों को लड़ते देख प्रपाई उन्हें रोकती है और कहती है, चलो तीनों ही साथ में चलते हैं। टाइम और पूपा का तो पोपट हो गया था। जब वो तीनों रोलर कास्टर ट्रेन में राइड कर रहे थे प्रपाई तो मज़े ले रही थी, बट पूपा डर के मारे चिल्ला रहा था और उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें इनहेलर की ज़रूरत है? देन टाइम वॉज लाइक, क्या हुआ, इतनी जल्दी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई? फिर उन तीनों को हॉन्टेड हाउस में जाना था, तो पूपा और टाइम वॉज लाइक, देखते हैं कौन जीतेगा, और प्रपाई वॉज लाइक, इन दोनों को क्या हुआ है? पर हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते ही प्रपाई ने पूपा को पकड़ रखा था और एक भूत को देखकर टाइम भी पूपा को कस के पकड़ लेता है। देन पूपा वॉज लाइक, इतनी जल्दी फट गई? इनफैक्ट प्रपाई तो डरती हुई मज़े ले रही थी और टाइम की तो हवाई संट हो रही थी, तो वो डर के मारे भाग जाता है। प्रपाई और पूपा उसे पकड़ने भागते हैं, पर एक लड़की जो उसे डराने आई थी पहचान लेती है कि ये तो सुपरस्टार टाइम है, और कुछ सेकंड्स में ही टाइम की फैन गर्ल्स उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो पूपा प्रपाई को वहाँ से भगाकर ले जाता है। वो कहती है, टाइम का क्या होगा? वो कहता है, जैसे वो भीड़ में से निकलेगा तुम्हें खुद ही कॉल कर देगा, तो चलो चलते हैं। प्रपाई देखती है कि पूपा ने उसका हाथ पकड़ रखा है। फिर वो दोनों मज़े करते हैं। प्रपाई को खुश देख पूपा खुश होता है।
टाइम रुपाई को कॉल कर कहता है, तुम कहाँ हो, मेरी हेल्प करने आओ। मैं हॉन्टेड हाउस में एक जगह पे छुपा हुआ हूँ, बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी फैन गर्ल्स मुझे पकड़ लेंगी। रुपाई और पूपा देखते हैं कि हॉन्टेड हाउस के बाहर तो टाइम की बहुत सारी फैन गर्ल्स खड़ी हैं। तो वो कहती है, अब तो कल टाइम के हॉन्टेड हाउस में होने की न्यूज़ आएगी, तो क्या होगा। पूपा कहता है, चिंता मत करो मैं उसे लेकर आता हूँ। और फिर टाइम को छुपा हुआ देख लेता है। वो कहता है, तू यहाँ क्यों आया है। पूपा कहता है, तुझे लगता है मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ। टाइम कहता है, रुक रुक, मैंने तेरी क्लब में हेल्प की थी ना, तो इस बार तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पूपा कहता है, ठीक है। वो कहता है, एक बात बता, क्या तू प्रपाई को लाइक करता है। पूपा को चुप देख वो कहता है, अच्छा तो तूने उसे अभी तक कन्फेस नहीं किया। पूपा कहता है, अगर तू बकवास करना बंद नहीं करेगा तो मैं तेरी सारी फैन गर्ल्स को यहीं बुला लूंगा। टाइम कहता है, भूल मत, अगर ये बात वायरल हो गई तो प्रपाई ही प्रॉब्लम में फंसेगी। पूपा कहता है, पहले प्रॉमिस करके तू प्रपाई को बिना काम के कॉल नहीं करेगा। वो मना करता है, पूपा जाने लगा था। टाइम कहता है, हाँ हाँ करता हूँ, पर क्या तेरे पास मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कोई प्लान है। तो पूपा प्रपाई को मैसेज करता है। प्रपाई जानबूझ के कहती है, अरे टाइम तो इसी जगह पे है, मुझे उसे देखने जाना होगा, और भागती है। टाइम की सारी फैन गर्ल्स भी उसके पीछे पीछे भागती हैं। पर प्रपाई तो वहीं रुक गई थी, और पूपा और टाइम हॉन्टेड हाउस से बाहर आ गए थे। टाइम पूपा का थैंक यू करता है और प्रपाई से कहता है, प्रपाई मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पूपा कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे घर छोड़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पूपा प्रपाई को अपने साथ ले जाने लगा था, तो टाइम उनके पीछे जाने वाला था, पर तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है, तू सेलिब्रिटी होकर अम्यूजमेंट पार्क में क्या कर रहा है, और तूने फोटो क्यों पोस्ट की, तेरी फैन गर्ल्स बावली हो रही हैं। टाइम कहता है, ओके ओके मैं अभी घर चला जाता हूँ। पूपा और प्रपाई जा रहे थे, तभी कुछ रिपोर्टर कहते हैं, ये तो वही लड़की है जो टाइम के साथ थी, इससे पता होगा कि टाइम कहाँ है। प्रपाई पूपा को लेकर भागती है, तो वो रिपोर्टर उनके पीछे भागते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलते क्योंकि वो दोनों तो वहीं पे छुपे हुए थे। प्रपाई खड़ी होकर देखने लगती है कि रिपोर्टर चले गए या नहीं, पर किसी को आते देख पूपा प्रपाई को पकड़कर नीचे खींचता है, बट वो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे इससे पहले कि प्रपाई और पूपा किस करते। तभी एक बच्ची आ जाती है जिससे उनका रोमांस डिस्टर्ब हो गया था। पूपा उस बच्ची को चुप होने का इशारा करता है, तो वो बच्ची हाँ करती है, जिससे पूपा और प्रपाई दोनों हंस पड़ते हैं। प्रपाई कहती है, थैंक यू आज मेरे पीछे पीछे आने के लिए। वो कहता है, थैंक यू तो तुम्हें अपने फ़ोन की करना चाहिए जो तुम भूल गई थी। वो कहती है, ओह वैसे सॉरी, मैंने आज तुम्हारी डेट की प्रैक्टिस ख़राब कर दी। वो कहता है, वैसे आज बहुत मज़ा आया, मैं तुम्हें किसी और दिन डेट पे लेके चलूँगा। नेक्स्ट डे का शूट अच्छा जाता है, तो फीमेल मॉडल सबको साथ में आज सेलिब्रेट करने को कहती है, तो सब हाँ करते हैं, जिसमें प्रपाई और टाइम को भी जाना था। तो प्रपाई पूपा को मैसेज कर कहती है, मुझे आज घर आने में लेट हो सकता है क्योंकि स्टाफ के साथ डिनर पे जाना है। फिर वो सब लोग चीयर करके ड्रिंक करते हैं। फीमेल मॉडल कहती है, चलो हम सब गेम खेलते हैं, जिसकी तरफ बॉटल रुकेगी उसे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, वो भी बिल्कुल सच सच, जो आंसर नहीं देगा उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। बॉटल टाइम की तरफ रुकती है, तो प्रपाई उसके करीब होती है। टाइम तो उसे देखने लगा था, पर प्रपाई कहती है, तुम सिर्फ खुद को लव करते हो ना। टाइम उसे फिंगर से पीछे को धक्का दे देता है, तो सब हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट बारी में प्रपाई की तरफ बॉटल रुकती है, तो टाइम उसे पूछता है, क्या तुम ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हो। सब हैरान थे। प्रपाई पूपा के बारे में सोचने लगती है, पर कहती है, मुझे नहीं पता, और धीरे से कहती है, पर अम्यूजमेंट पार्क में तो पूपा के साथ मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही थी। टाइम कहता है, ज़रूर डरावनी चीज़ें देखकर ऐसा हुआ होगा, यहाँ आज तुम कुछ ज़्यादा ही टल्ली हो। प्रपाई को जब याद आता है कि पूपा ने ता से वावा का नंबर मांगा था, तो गुस्से से कहती है, हाँ हाँ ये ज़रूर हॉन्टेड हाउस की वजह से हुआ होगा, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तभी पूपा को छींक आ जाती है। प्रपाई कहती है, तुम तो मेरे टाइप के भी नहीं हो। लोग हैरान थे कि आखिर प्रपाई बात किससे कर रही है, पर फिर सबके सब हंसने लगते हैं। प्रपाई भी पी पी कर टल्ली हो गई थी। पूपा को छींकते देख फ्रेंड कहते हैं, लगता है कोई तुझे याद कर रहा है। तो पूपा प्रपाई का मैसेज देख लेता है और उसे कॉल करने लगा था। इधर सब लोग चले गए थे, पर प्रपाई जो टल्ली पड़ी थी उसे पूपा का कॉल आता है, तो कहती है, हेलो कौन, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ। वो कहता है, तुम टल्ली हो, बताओ कहाँ पे हो, ये अपनी लोकेशन सेंड कर दो। प्रपाई उसे वीडियो कॉल कर कहती है, मैं यहाँ हूँ।
तभी टाइम आकर उसका फोन ले लेता है और पूपा से कहता है, दूसरों को मस्ती करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूपा पूछता है, बताइए कौन सा रेस्टोरेंट है, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। टाइम कहता है, रहने दे, रेस्टोरेंट ढूंढने में तुझे सदियों लग जाएंगी, मैं उसे घर छोड़ दूंगा, और फोन काट देता है। पर टल्ली प्रपाई पट्टे देने अपना सिर टेबल पर ठोक लेती है। पूपा को याद आता है कि जब प्रपाई ने कॉल किया था तो वहीं रेस्टोरेंट का नाम लिखा था और भागने लगा था। देन प्रोफेसर और फ्रेंड्स वर लाइक, वो ज़रूर अपने क्रश से मिलने गया होगा। इधर टाइम टल्ली प्रपाई को लाद कर ले जा रहा था, पर फीमेल मॉडल उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। प्रपाई टाइम की कार में बैठ जाती है। टाइम जैसी कार चलाने लगा था तभी पूपा उसकी कार के सामने आ जाता है और प्रपाई को कार से बाहर निकालने लगा था, बट टल्ली प्रपाई तो खुद से ही कार से निकलकर भागना स्टार्ट कर देती है और कहती है, पूपा और टाइम तुम दोनों डबल डबल क्यों दिख रहे हो। टाइम कहता है, तुम चूज़ करो कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो। प्रपाई उन दोनों की तरफ देख रही थी और फिर टाइम की तरफ जाती है तो पूपा सैड होता है। प्रपाई कहती है, टाइम काम हो गया, मैं रात को फ्री हूँ, ये पूपा तुम आ गए तो चलो मुझे घर ले चलो। तो पूपा उसे घर ले जाने लगा था, जिससे टाइम गुस्से में था। पूपा टल्ली प्रपाई को ले जा रहा था, वो कहती है, दूर हटो मुझसे, मैं खुद ही जा सकती हूँ, और गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से चलो तुम गिर रही हो। वो कहती है, दूर हटो, तुम ध्यान रखो, बार बार मेरे क्लोज क्यों आते हो, तुम मुझे बार बार अपनी याद क्यों दिलाते हो। पूपा कहता है, क्या कहा। तभी प्रपाई को उसके भाई का कॉल आता है जो पूछता है, तू टल्ली है क्या। प्रपाई कहती है, कौन टल्ली, तू होगा टल्ली, मुझसे फाइट करना चाहता है क्या। तो पूपा उसका फ़ोन लेकर कहता है, मैं प्रपाई का फ्रेंड बोल रहा हूँ, वो टल्ली है तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। भाई कहता है, तू कौन है। मॉम, एक लड़का प्रपाई को घर लेकर जा रहा है। मॉम पूछती है, कौन हो तुम और मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो, पुलिस को कॉल कर दूंगी। पूपा लड़की की आवाज़ निकाल कर कहता है, हेलो आंटी, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सारी फ्रेंड्स एक साथ हैं। प्रपाई कहती है, क्या बक रहे हो, यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हो। वो प्रपाई का मुंह बंद कर कहता है, आंटी प्रपाई टल्ली होकर बकवास कर रही है। आंटी कहती हैं, हाय ये मेरी शैतान बेटी, थैंक यू, प्रपाई का ज़रा ध्यान रखना। तो पूपा हाँ कहकर फ़ोन काट देता है। प्रपाई कहती है, तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया, तुम्हें लगता मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ और मैं वावा की तरह तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। पूपा कहता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। प्रपाई कहती है, मैं ना बहुत सुपर हॉट हूँ, देखो देखो, और एक्टिंग करके दिखाने लगती है। पूपा हंसता हुआ उसे पकड़ रहा था बट वो भाग रही थी और कहती है, तुम्हें मुझसे लव हो गया ना। तो पूपा उसे हक कर लेता है और फिर उसे उठाकर अपने बैग पे टांग लेता है, पर प्रपाई उसकी गर्दन पे काट लेती है तो बेचारा चिल्ला पड़ता है। वो कहती है, मैंने नहीं सोचा था तुम वावा को लाइक करोगे, क्या तुम जैसे जीनियस को लव की फीलिंग के बारे में कुछ पता भी है। वो कहता है, हाँ पता है, पर तुम ही ये नहीं समझ रही, और सोचता है टाइम मेरा लव राइवल है, यानी मेरा न्यू वेरिएबल। मॉर्निंग में प्रपाई उठती है तो सोचती है, मैंने तो कल रात ये कपड़े नहीं पहने थे, मैंने चेंज कब किए, मुझे याद क्यों नहीं है, अरे नहीं। और फिर पूपा से जाकर पूछती है, मैं कल रात घर कैसे आई। वो कहता है, तुम उठ गई तो कपड़े धोते ना, मैंने तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वो कहती है, पर कल रात तो मैंने दूसरे कपड़े। वो कहता है, अगली बार इतना ज़्यादा ड्रिंक मत कर लेना, अगर कहीं जाना हो तो मुझे भी साथ लेकर जाना। वो कहती है, तो तुमने मेरे कपड़े नहीं उतारे। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के रख दिया, इसे पीने से तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। वो उसके कपड़े दे कहती है, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है तो तुमने हाई नेक के कपड़े क्यों पहने हैं। इनफैक्ट पूपा ने तो वो इसलिए पहना था ताकि प्रपाई ने जो रात में उसकी गर्दन पे काटा था उसे छुपा सके, पर कहता है, लैब में बहुत काम है, मुझे जाना होगा, और भाग जाता है। प्रपाई वास लाइक, पर इसने ये तो बताया ही नहीं कि इसने मेरे कपड़े चेंज किए थे या नहीं। इनफैक्ट जब रात में पूपा टल्ली प्रपाई को घर लेके आया था तब उसने आंटी को कॉल कर बुला लिया था ताकि आंटी टल्ली प्रपाई के कपड़े चेंज कर सकें, यानी उसने प्रपाई के कपड़े चेंज नहीं किए थे। पूपा के फ्रेंड्स भी उसे हाई नेक के कपड़े पहनने का रीज़न पूछते हैं बट वो बात टाल देता है। प्रोफेसर पूछते हैं, तो कल रात का एक्सपेरिमेंट कैसा था। पूपा कहता है, मेरे एक्सपेरिमेंट में एक न्यू वेरिएबल आ गया है। फ्रेंड्स कहते हैं, तो तुझे अपने न्यू वेरिएबल पर रिसर्च करनी चाहिए, उनके सोशल मीडिया के थ्रू, मेरा मतलब इक्विपमेंट्स देखकर।
इनफैक्ट वो सबके सब लव एक्सपेरिमेंट को साइंस एक्सपेरिमेंट बोलकर बातें कर रहे थे, ताकि मीना को पता ही न चले कि वो पूपा के लव के बारे में बातें कर रहे हैं। प्रपाई को मदहोश देख उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, लगता है तुझे लव हो गया है। वो कहती है, पगला गई हो क्या, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वैसे क्या तुम लोग बता सकते हो कि किसी को किसी से लव है या नहीं, मेरा मतलब कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। फ्रेंड्स कहती हैं, हाँ जब उसके क्लोज जाओ तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाए, और जब तुम उसे किसी और के साथ देखो तो तुम्हें बहुत गुस्सा आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम ज़्यादातर उसी के बारे में सोचो। तभी प्रपाई को पूपा दिखाई देने लगता है, तो वो जल्दी से जूस पीने लगती है, पर उसकी फ्रेंड हंस रही थी क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रपाई को किसी से लव हो गया है। घर पे आकर पूपा को देख प्रपाई सोचती है, क्या मैं पूपा को सच में लव करती हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना होगा, और जाकर उसके साथ बैठ जाती है। पर उसे हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी, तो धीरे धीरे पूपा के क्लोज होने लगती है और कहती है, अभी तक हार्ट बीट बढ़ क्यों नहीं रही। फिर पूपा की वॉच देख पूछती है, क्या ये वॉच हार्ट रेट भी बताती है। वो हाँ करता है, तो वो कहती है, एक बार मुझे देना, मैं भी ऐसी वॉच खरीदने की सोच रही हूँ। तो पूपा उसे अपनी वॉच निकाल कर दे देता है। वो जल्दी से वॉच पहन लेती है और पूपा के और क्लोज होने लगती है। पूपा उससे दूर होता है, बट वो तो बार बार ही उसके क्लोज हो जा रही थी, तो वो उठकर जाने लगा था। पर प्रपाई उसके पीछे पीछे, जैसे ही वो पलट कर देखता है, वो पूपा से ठुक जाती है और उसे गौर से देखने लगी थी। फिर प्रपाई देखती है कि वॉच में उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, तो वो हैरान थी। हार्ट बीट बढ़ती देख प्रपाई भागने लगती है। पूपा उसे रोक लेता है और उसके करीब होने लगा था, तो प्रपाई डरते हुए पीछे होती है। तो वो कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, अपने रूम में जाओ। वो कहता है, मेरी वॉच। तो प्रपाई हंसती हुई उसकी वॉच वापस करने लगी थी, बट उससे वॉच गिर जाती है। वो वॉच उठाकर कहता है, प्रपाई तुम बीमार हो क्या, एवरेज हार्ट रेट तो 60-100 बीट पर मिनट होती है, पर तुम्हारी तो 130 से भी ज़्यादा ऊपर आ रही है। वो कहती है, ये वॉच अभी गिरी थी ना, तो खराब हो गई होगी, मेरी हार्ट बीट तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी खराब हो गई होगी, ये तो वाटरप्रूफ के साथ साथ फॉल प्रूफ भी है। वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रही हूँ, और भागकर अपने रूम में आ जाती है। तो कहती है, प्रपाई क्या तू सच में पूपा को लाइक करती है, पर वो तो किसी और को लाइक करता है, और बहुत सैड होती है। नेक्स्ट डे प्रपाई को जाता देख पूपा पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है, मैं नेक्स्ट शूट के लिए लोकेशन ढूंढने जा रही हूँ। वो कहता है, तुम किसके साथ जा रही हो। वो कहती है, ऑफ कोर्स अकेली। तो पूपा अपने शूज पहन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि तुम जब भी अकेले जाती हो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो, और वैसे भी मैं आज फ्री हूँ। और प्रपाई के शूज भी उसे पहनने को देकर उसके स्लीपर्स रैक में रख देता है। तो प्रपाई थोड़ा थोड़ा खुश होती है। फिर वो दोनों पूरे बैंकॉक में घूमते हैं और साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। कपल्स जो फोटो खींच रहे थे प्रपाई को उनके साथ में फ़ोटो खींचने को कहते हैं, तो प्रपाई उनकी फ़ोटो खींचती है और वो कपल्स काफ़ी रोमांटिक फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। फिर वो कपल उनसे कहते हैं, क्या तुम लोग भी कपल्स फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो। प्रपाई मना करती है, पर पूपा हाँ करता है। वो कपल उन दोनों की फ़ोटो खींचने लगे थे, पर पूपा और प्रपाई तो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे, तो वो उन दोनों को दूर देख थोड़ा क्लोज होने को कहते हैं। पर क्लोज होने से प्रपाई शर्मा रही थी, पर फिर सोचती है, मैं ये क्या क्या सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंट हूँ। पूपा प्रपाई से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पूछता है, ताकि वो उसे टैग कर सके। फ्रेंड्स, अगर आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घर आके प्रपाई देखती है कि उसके और पूपा की फ़ोटोज़ में काफ़ी लाइक और कमेंट्स आ गए हैं। कमेंट्स में लिखा है कि क्या ये लड़की पूपा की गर्लफ्रेंड है, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। ये देख प्रपाई खुश होती है और सोचती है, कितना अच्छा होता अगर मैं और पूपा सच में डेट कर रहे होते, क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है। पूपा क्या तुम मुझे लाइक करते हो। मीना प्रोफेसर को अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखाती है जो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। तो फिर पूपा भी प्रोफेसर को अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखाता है, बट वो कहते हैं, तुम्हारा टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो थोड़ी और रिसर्च करनी होगी। तो पूपा हाँ करता है और फिर पूरा दिन बैठ के काम करता है। मीना कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्या तुम कल फ्री हो। पूपा काफ़ी सोचने के बाद हाँ करता है। नेक्स्ट डे पूपा को बाहर जाते देख प्रपाई पूछती है, तुम इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो। देन पूपा वॉज लाइक, मैंने तो ऐसी पहन लिए, और कहता है,
मैं मीना के साथ काम करने जा रहा हूँ। तो प्रपाई सोचती है, मीना, क्या इसके और भी एक्सपेरिमेंट पार्टनर्स हैं? पूपा चला जाता है तो वो कहती है, मेरे साथ तो इतना रेडी शेडी होकर नहीं जाता। और फिर उसे एक आइडिया आता है। इधर पूपा और मीना प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे, तभी प्रपाई वहाँ डिटेक्टिव का भेस बदल कर पहुँच जाती है। जैसे पूपा उसे देखता है वो छुपने लगती है और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके पूपा और मीना के पास वाले टेबल पर बैठ जाती है। बट प्रपाई को डिटेक्टिव भेस में देख उसके पास वाली लड़की उठकर चली जाती है। मीना पूपा से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी तो प्रपाई कान लगा के सुनने की कोशिश करती है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो जेलस हो रही थी। जैसे मीना फ़ोन पे बात करने बाहर जाती है, पूपा उसे कहता है, प्रपाई तुम? वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? वो कहता है, मैंने तो तुम्हें अंदर आते ही पहचान लिया था। तुम ऐसे कपड़े पहन के आई हो तो सब तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे। वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो कहती है, तुम पगला गए क्या? मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँगी? मैं तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने आई हूँ। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें फॉलो करूँगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ मीना चाहती है और पूपा से कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अकेली आई हूँ तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई? दोनों एक साथ कहते हैं, हम डेटिंग नहीं कर रहे। और प्रपाई बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है। रात में प्रपाई को टीवी देखते हुए गुस्सा आ रहा था और कहती है, इतनी रात हो गई ये अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा? ज़रूर बाकी लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बिजी होगा। तभी पूपा वहाँ आ जाता है और प्रपाई को गुस्से में देख पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, इससे तुम्हें क्या, मैं तुम्हारी तरह जीनियस भी नहीं हूँ। और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाने लगी थी बट पूपा उसे छीन लेता है तो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मैं अपनी दही खाऊंगी। और फिर दही खाने वाली थी पर वो उससे वो भी छीन लेता है। वो कहती है, तुम्हें मुझे खाने से रोकने का हक किसने दिया? हमारे बीच तो कोई खास रिलेशन भी नहीं है। वो कहता है, हाँ हम में है। वो कहती है, तो बताओ कौन सा है? वो कहता है, हम रूममेट्स हैं। तो वो गुस्सा होकर कहती है, स्टूपिड साइंटिस्ट, और अपने रूम में भाग जाती है। इनफैक्ट पूपा तो उसे इसलिए खाने से रोक रहा था क्योंकि आइसक्रीम और दही एक्सपायर हो गए थे। मॉर्निंग में प्रपाई देखती है कि पूपा ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा है और वो भी दही के साथ, तो हंस पड़ती है। तभी उसे पूपा का कॉल आता है। पहले तो वो नहीं उठाती पर फिर उठा लेती है। पूपा कहता है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स टेबल पे ही रखा भूल गया, तू मुझे लैब में देने आ जाओगी? वो हाँ करती है तो वो उसका एडवांस में ही थैंक यू कर देता है। फिर प्रपाई रेडी शेडी होकर लैब जाने लगी थी। प्रपाई को वहाँ देख पूपा के फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम्हारे पास पूपा के डॉक्यूमेंट्स कैसे आए? पर प्रपाई बहाना मार के भाग जाती है। देन फ्रेंड्स वर लाइक, ज़रूर इन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है, लगता है प्रपाई ही पूपा की क्रश होगी, चलो प्रोफेसर को बताते हैं। प्रपाई खुश होकर डॉक्यूमेंट्स देने आती है पर पूपा को मीना के साथ देख सोचती है, मीना को भी पूपा के एक्सपेरिमेंट का पता है। मीना पूछती है, तुमने अपना वेरिएबल चेंज क्यों कर दिया? अच्छा, ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पूपा हाँ करता है तो ये सुन प्रपाई डॉक्यूमेंट्स वहीं पर रख के गुस्सा होकर भाग जाती है। मीना पूपा के क्लोज होकर कहती है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो पूपा हाँ करता है। तभी उसके फ्रेंड्स भागकर आज शोर मचा देते हैं जिससे पूपा एकदम से डर जाता है। और मीना से एक्सीडेंटली हिट होने से उसकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लग गया था। फ्रेंड्स कहते हैं, मीना पूपा का वेरिएबल है, पर हमने तो प्रोफेसर को बता दिया कि प्रपाई है। पूपा कहता है, क्या कहा? वो दोनों कहते हैं, प्रपाई तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देने आई थी, तुमने देखा नहीं उसे? अच्छा, तो मीना तुम्हारे टाइप की है? मीना स्माइल कर रही थी। पूपा कहता है, किसने कहा, मैं तो उसे लाइक भी नहीं करता। तो मीना सैड होकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स कहते हैं, तूने तो एकदम से बक दिया, पर हाँ सही किया। पर पूपा तो अभी भी प्रपाई के लाए डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रपाई उसे बिना मिले ही चली गई। वो जैसे घर आता है तो देखता है प्रपाई बैग लेकर जा रही है तो वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, तुम्हें क्या, मेरे जैसे एक्सपेरिमेंट वेरिएबल की तो अब तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो कहता है, तुम गलत समझ रही हो, चलो बैठकर बात करते हैं। तभी प्रपाई पूपा की शर्ट पे लिपस्टिक का निशान देख लेती है और गुस्से से कहती है, नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो पूछता है, तुम ऐसे अचानक से क्यों जा रही हो? वो कहती है, मैंने ऑलरेडी घर की सारी साफ सफाई कर दी है, अब से हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें ऑलरेडी अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट पार्टनर तो मिल गया होगा, तो मेरी तो तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और गुस्सा होकर चली जाती है।
इधर ता मजे से गेम खेल रहा था, तभी पूपा उसके घर आ जाता है। ता पूछता है, बता क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है, मुझसे एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। ता कहता है, तो मैं तेरी इक्वेशन सॉल्व करने में क्या हेल्प कर सकता हूँ, जाकर अपनी ब्यूटीफुल सीनियर से पूछ। क्या नाम था उसका? हाँ, मीना। वो कहता है, मैं मीना से इस काम में हेल्प नहीं ले सकता, सिर्फ तू ही मेरी हेल्प कर सकता है, तू तो लव एक्सपर्ट है ना, और इस इक्वेशन में प्रपाई है। ता कहता है, अच्छा तो तेरे प्रपाई से झगड़ा हो गया, तो पूरी बात बता। वो कहता है, प्रपाई घर छोड़कर चली गई। ता कहता है, घर से भाग गई? ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इधर प्रपाई अपने फ्रेंड्स को कहती है, मेरी एक कलीग उस लड़के को डॉक्यूमेंट्स देने गई, पर उसने उसे किसी और लड़की से बातें करते सुना कि वो तो मेरी कलीग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो आगे काम नहीं करने वाला, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। देन उसके फ्रेंड्स वर लाइक, तूने अपनी कलीग की बातें करने के लिए हमें इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाया? वैसे वो जरूर साइंस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे होंगे। प्रपाई कहती है, अच्छा तो उसके शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कैसे आया? मेरे ख्याल से जरूर दोनों रोमांस कर रहे होंगे। इधर ता पूपा की शर्ट पे लिपस्टिक का निशान देख कहता है, अच्छा तो तू प्रपाई के ज्यादा ही क्लोज हो रहा था, तो वो अनकंफर्टेबल होकर चली गई होगी। पूपा कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ता उसे उसकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान दिखाता है, तो वो कहता है, ये कहाँ से आया? देन ता वाज लाइक, क्या ये प्रपाई का नहीं है? कहीं तू प्रपाई को धोखा तो नहीं दे रहा? पूपा कहता है, रुक सरा, मुझे लगता है जब मैं गलती से मीना से टकराया था तब ये लग गया होगा। वो कहता है, अच्छा मैं समझ गया कि प्रपाई तुझसे गुस्सा क्यों है। इधर प्रपाई की फ्रेंड्स उसे कहती हैं, तेरी कलीग उस लड़के को लाइक करती है, इसलिए वो जेलस हो रही होगी। ता कहता है, प्रपाई 100% जेलस है। पूपा कहता है, पर जेलस तो तभी होते हैं जब एक दूसरे को लाइक करते हो। प्रपाई कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे लाइक नहीं करती, वो तो बस उसकी एक्सपेरिमेंट पार्टनर बन के उसकी हेल्प कर रही थी। मुझे तो ये लगता है कि उस लड़के का अपने सीनियर के साथ चक्कर चल रहा है। फ्रेंड्स कहती हैं, जब तेरी कलीग उस लड़के को लाइक ही नहीं करती तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि उस लड़के का किसी के साथ भी चक्कर चल रहा हो, और वो सैड क्यों हो रही है? तब तो उस लड़के को यही लगेगा ना कि तेरी कलीग उसे लाइक करती है। पर तू अपनी कलीग की इतनी चिंता क्यों कर रही है, जैसे तू अपनी बात कर रही हो। प्रपाई कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी कलीग की बात कर रही हूँ, वो जो मेरे साथ काम करती है। ता कहता है, तू परेशान मत हो, अगर तू उसे बनाने भी जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये गर्ल्स जब गुस्सा या जेलस होना तो बिना बात के झगड़ पड़ती हैं। कल रात तक वेट कर, जैसे वो ठंडी होगी तब उससे बात कर लेना। देन पूपा वाज लाइक, क्या ये सही होगा इस मामले को ऐसे छोड़ना? ता कहता है, तू एक्सपर्ट पे भरोसा रख, चल स्ट्रेस को कम करने के लिए गेम खेलते हैं, वो भी फाइटिंग गेम लड़कियों के साथ। इधर प्रपाई की फ्रेंड्स कहती हैं, तू ये बैग लेकर क्यों फिर रही है, जैसे किसी ने तुझे घर से बाहर फेंक दिया हो। प्रपाई कहती है, मुझे कौन घर से फेंकेगा, मैं खुद ही वो घर छोड़कर आई हूँ, मुझे उसके और उसके सीनियर के बीच में नहीं पिसना। फ्रेंड्स पूछती हैं, तू किसके साथ रहती थी, क्या तू किसी को लाइक करती है? प्रपाई कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो खुद से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं फिर से लव के चक्कर में फंस के अपना दिल नहीं तुड़वाने वाली। फ्रेंड्स कहती हैं, तुझे पक्का यकीन है ना? ता के साथ तो तू बिल्कुल भी कुछ फील नहीं करती थी, पर इस लड़की के लिए तो तू इतनी इमोशनल हो गई है। प्रपाई मना करती है, तभी उसके फ्रेंड्स उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसे गेम खेलने को कहती हैं, वो भी फाइटिंग गेम। प्रपाई तो गेम्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर जब उसे पता चलता है कि पूपा भी उनके साथ गेम खेल रहा है तो वो पूपा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इनफैक्ट ता और पूपा एक टीम में थे और प्रपाई और उसकी फ्रेंड्स दूसरी टीम में, पर पूपा फाइट करने के बजाय उसे गेम में प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो स्माइल करती है, पर फिर मीना की बात याद आते ही फिर से गुस्सा हो जाती है। पूपा कहता है, मैं मीना के साथ सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्रपाई खुश होती है। ता कहता है, प्रपाई काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हारा रूममेट वेट कर रहा होगा। प्रपाई की फ्रेंड्स पूछती हैं, वैसे तेरा रूममेट है कौन? तो प्रपाई बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है, तो पूपा भी ता के घर से भाग जाता है। प्रपाई के घर आते ही वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी डिश खरीदी है। तो प्रपाई खुश हो जाती है, पर फिर कहती है, तुमने ये अपने सारे एक्सपेरिमेंट पार्टनर्स को भी दी होगी। वो कहता है, नहीं ये तुम्हारी फेवरेट है, तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बाय की है। वो कहती है, अच्छा तो मीना का क्या? वो कहता है, वो तो बस मेरी साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही थी,
और ये लिपस्टिक का निशान गलती से टकराने की वजह से लग गया था। वो कहती है, मैंने तो नहीं पूछा, तो मुझे क्यों बता रहे हो। वो कहता है, तो तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो। रूल्स बोर्ड की तरफ देख प्रपाई को एक आइडिया आता है और कहती है, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे गुस्सा ना हूँ तो ये सारे रूल्स कैंसिल करने पड़ेंगे, बताओ मंजूर है। वो हाँ करता है तो प्रपाई खुश हो जाती है और फिर भागकर जा अपने सारे टॉय सोफे पे लाकर रख लेती है। और अब तो वो पूपा के दिए आइंस्टीन पिल्लो को लेकर भी खुश हो रही थी और कहती है, अब यहाँ की हर चीज़ मेरी होगी। पूपा धीरे से उसकी तरफ सरक कर कहता है, क्या मैं भी इसमें काउंट हूँ। वो शर्मा कर भाग जाती है तो पूपा खुश होता है और सारे रूल्स इरेज कर देता है। मॉर्निंग में पूपा को देख प्रपाई पूछती है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, कुछ हो गया क्या। पर पूपा कुछ बोलता इससे पहले ही प्रपाई को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती हैं, तू ठीक तो है ना, ऐसा कर जल्दी से घर आ जा। प्रपाई उन्हें शांत करके पूरी बात बताने को कहती है। तब मॉम कहती हैं, न्यूज़ में वो लड़की तू ही है ना। बट प्रपाई बस लाइक, कौन सी न्यूज़। तभी पूपा वो न्यूज़ दिखाता है कि टाइम एक लड़की को ड्रग्स देकर अपने घर ले जा रहा था। प्रपाई तो ये न्यूज़ से हैरान थी और मॉम को बताती है कि ये फेक न्यूज़ है, टाइम एक सेलिब्रिटी है जिसका ख्याल रखना मेरी जॉब है। वो सेलिब्रेशन के बाद मैं थोड़ी सी टल्ली हो गई थी, टाइम तो बस मुझे घर तक छोड़ने जा रहा था और किसी ने भी किसी को ड्रग्स नहीं दिया। मॉम पूछती हैं, क्या टाइम तुझ पे लाइन मार रहा है। वो कहती है, नहीं मॉम, हम बस साथ में काम करते हैं। मॉम कहती हैं, अच्छा तो वो तुझे घर क्यों छोड़ना चाहता था, ये लड़का तो काफ़ी फेमस है, अगर तू चाहे तो उसे डेट कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पूपा खांसने लगा था तो प्रपाई उसका मुंह बंद कर लेती है। मॉम पूछती हैं, ये लड़के की आवाज़ कहाँ से आई। प्रपाई कहती है, वो मॉम ये टीवी से आई थी। अच्छा तो आप न्यूज़ की टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जल्दी से फ़ोन काट देती है। पर मॉम उसे फिर से फ़ोन करने लगी थी तो वो पूपा को चुप रहने को बोलकर फ़ोन उठाती है। मॉम कहती हैं, कहीं तो किसी लड़की के साथ तो नहीं रह रही। प्रपाई मना करती है पर मॉम कहती हैं, नहीं मुझे अभी वीडियो कॉल कर। तो प्रपाई पूपा को छुपाकर मॉम को घर दिखाने लगती है और पूपा बेचारा छुपता फिर रहा था। प्रपाई कहती है, देखा मॉम मैंने कहा था ना, और फ़ोन काट देती है। पूपा को घूरते देख वो उसे उठाने लगी थी पर तभी उसी कंपनी से एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर का फ़ोन आता है ताकि न्यूज़ से रिलेटेड बात कर सके। इनफैक्ट प्रपाई और टाइम की फेक न्यूज़ की वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो गई थी क्योंकि प्रपाई उन्हीं की कंपनी की स्टाफ है, इसलिए वो प्रपाई को कुछ दिनों के लिए प्रोजेक्ट शूट में जाने के लिए मना कर देते हैं और ये भी कि वो अब से टाइम से बिल्कुल दूर रहे। तो प्रपाई उन्हें हाँ कर देती है और टाइम को मैसेज कर सॉरी बोलती है कि वो उसकी वजह से प्रॉब्लम में फंसा। इनफैक्ट टाइम का मैनेजर भी टाइम को काफ़ी सुना रहा था पर टाइम को तो र्यूमर्स की वजह से अपने से ज़्यादा प्रपाई की चिंता थी। कंपनी में सब प्रपाई को देख बातें बना रहे थे कि प्रपाई हर हैंडसम लड़के को देख उस पर लाइन मारती है। तभी कार्टून आकर सबको चुप करा देती है तो सबके सब अपने काम में लग जाते हैं। प्रपाई कार्टून को पूरी बात बताती है कि जब वो टल्ली थी तो टाइम उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था, इसके अलावा उसके और टाइम के बीच और कुछ भी नहीं है। पर कार्टून कहती है, सही बताऊँ ना तो ये सबके सब ना तुझसे जेलस हैं, कौन सेलिब्रिटी के साथ वायरल नहीं होना चाहता। वैसे तुझे टाइम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब तू ऑलरेडी किसी और को लाइक करती होगी। प्रपाई भी एकदम चुप। तभी उसे पूपा का कॉल आता है जो कहता है, मैं कंपनी के बाहर खड़ा हूँ। इनफैक्ट वो उसके लिए लंच लेकर आया था पर उन दोनों को देख कुछ गर्ल्स कहती हैं, देखो देखो प्रपाई ने पहले एक सेलिब्रिटी को पटाया और अब एक हैंडसम लड़का उसके लिए लंच लेकर आया, देखने में मासूम सी लगती है बट है करेक्टरलेस। पूपा उन लड़कियों को घूरता है तो वो डर के मारे भाग जाती हैं और फिर प्रपाई को सैड देख उसे हेडफोन पहनने को कहता है ताकि प्रपाई का लोगों की बकवास की तरफ ध्यान ना जाए। बट जब वो उसे हेडफोन पहनाता है तो प्रपाई सोचती है, मैं क्या करूँ, मुझे दिन ब दिन इससे प्यार हो रहा है, और फिर मस्त होकर काम कर रही थी। बट तभी उसे टाइम का कॉल आता है जो कहता है, तुम शूट पे क्यों नहीं आई। तो वो बताती है कि र्यूमर्स की वजह से वो उसे नहीं मिल सकती। वो कहता है, क्या तुम इसी डर की वजह से छुपती रहोगी और क्या तुम्हारी सॉरी से बात बन जाएगी, तुम उससे मिलने आओ। वो कहती है, मैं कैसे आ सकती हूँ, अभी भी न्यूज़ वायरल है, अगर मैं तुमसे मिलने आई और रिपोर्टर्स ने देख लिया तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी।
वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह मिलने बुलाऊंगा जहाँ कोई भी हमें न देख सके। वो मना कर रही थी बट वह नहीं सुनता, इसलिए प्रपाई को टाइम से मिलने जाना ही पड़ता है। बट थैंक गॉड वहाँ पे कोई भी नहीं था, इनफैक्ट वो जगह टाइम की सीक्रेट प्लेस थी। जब टाइम प्रपाई से फ्लर्ट करने लगा था तो वो कहती है, तुम ये मस्ती करना बंद करो, तो पहले ही मेरी वजह से तुम्हारे बारे में इतनी उल्टी सीधी र्यूमर्स फैल गई हैं, तो तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। वो कहता है, सॉरी मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंसी। वो कहती है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, प्रॉब्लम में तो तुम हो। वो कहता है, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो इस सब की आदत है मुझे। वो कहती है, भले ही सेलिब्रिटीज़ शो नहीं करते बट तुम्हें भी दर्द होता होगा। प्रपाई ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा था तो वो उसे देखने लगता है। वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें बेटर फील होगा। और फिर चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को सुनाने लगती है जो फेक र्यूमर्स पर भरोसा करके बाकियों को हर्ट करते हैं। टाइम पहले तो मुंह बनाता है बट जब वो कहती है कि तुम लोगों को एलियंस किडनैप करके अपना नौकर बना लेंगे तो टाइम को हंसी आ जाती है। प्रपाई उसे भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी भड़ास निकालने को कहती है जिससे उसे बेटर फील होगा। रात में प्रपाई को अपने भाई का कॉल आता है जो उसे बर्थडे विश कर रहा था, तो वो खुश हो जाती है। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा लोनली फील कर रही थी कि वो अपनी फैमिली से दूर है। इधर पूपा फ़ोन पे बात कर रहा था कि प्रपाई के केक पे हैप्पी बर्थडे के अलावा उसे एक इक्वेशन भी लिखवानी है और रूल बोर्ड पे कुछ लिखता है। मॉर्निंग में प्रपाई उठती है तो बोर्ड पे लिखा था हैप्पी बर्थडे, तो वो खुश हो जाती है। तभी डोरबेल की आवाज़ आती है तो वो गेट खोलती है। पूपा बैलून्स के साथ उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है तो वो खुश होती है। फिर पूपा उसे किस करने लगा था तो वो आइस बंद कर लेती है। बट रियल में तो ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और फिर जब वो रियल में गेट खोलती है तो कोई हैप्पी बर्थडे बैलून लेकर खड़ा था। वो खुश होती है बट वो तो टाइम था। तो वो कहती है, हे तुम यहाँ कैसे आ गए, और इधर उधर देखकर उसे जल्दी से घर में घुसा लेती है। टाइम उसे बर्थडे विश करके गिफ्ट देने लगा था। वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। वो कहता है, अगर मैं कुछ पता करना चाहूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये लो गिफ्ट, तुम्हारा दूसरा गिफ्ट मैं तुम्हें बाद में दूंगा जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वो गिफ्ट खोलकर देखती है, उसमें ब्रेसलेट था जो बहुत क्यूट था। फिर टाइम प्रपाई को वो ब्रेसलेट पहनाने लगा था। इतने में पूपा आ जाता है और कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है। टाइम कहता है, पर तू यहाँ कैसे। पूपा कहता है, ये मेरा घर है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। टाइम तो हैरान, प्रपाई कुछ बोलती पर तभी फिर से डोरबेल बजती है। वो गेट खोलती है तो उसकी मॉम और उसका भाई उसे बर्थडे विश करने आ जाते हैं। देन टाइम वाज लाइक, प्रपाई की मॉम, अब देखना मैंने कैसे इंप्रेस करता हूँ। मॉम टाइम को देख कहती हैं, ये तो वही न्यूज़ वाला लड़का है, यहाँ क्या कर रहा है। प्रपाई, क्या ये तुझे लाइक करता है या तू इसे लाइक करती है। टाइम स्माइल कर रहा था बट प्रपाई कहती है, नो मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे बर्थडे गिफ्ट देने आया था। देन मॉम वाज लाइक, ओ। प्रपाई का भाई पूछता है, तो ये लड़का कौन है। इनफैक्ट वो पूपा की बात कर रहा था। तो प्रपाई कहती है, ये मेरा फ्रेंड है। टाइम कहता है, पर मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। देन पूपा वास लाइक, क्या कहा। मॉम कहती है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ तुम तीन ही हो। प्रपाई कहती है, नो मॉम, मेरे बाकी फ्रेंड्स अभी रास्ते में हैं, आने वाले होंगे। मॉम टाइम से कहती हैं, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूँ, तुम खाओगे। तो टाइम उनकी हाँ में हाँ करने लगा था। प्रपाई जल्दी से वावा को कॉल कर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर आने को कहती है, पर अपने भाई को देख डर जाती है और पूछती है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू और मॉम यहाँ बैंकॉक आने वाले हो। वो कहता है, मॉम पहले तुझे सरप्राइज देना चाहती थी तो मैं क्या करता, पर तू इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रही है, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रही है। वो कहती है, नहीं तो चुपचाप जाकर मॉम के साथ काम करवा। वो कहता है, मुझे लगता है ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है, पागल हो गया क्या, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इधर टाइम मॉम की हेल्प करवा रहा था और उनकी तारीफें करता है ताकि मॉम उसे इम्प्रेस हो जाए, पर बेचारा पूपा प्रपाई के साथ काम करवा रहा था। तभी वहाँ वावा आ जाती है और उसके पीछे पीछे दावी वहाँ टपक पड़ता है। काम करते वक्त पूपा टाइम को घूर रहा था, पर उसे प्रपाई की हेल्प करते देख प्रपाई का भाई पूपा को घूर रहा था, वो भी एक नहीं कई बार। पूपा प्रपाई का बर्थडे केक लेकर आता है तो सब उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। वो विश मांगकर
कैंडल्स ब्लो करती है। केक पर हैप्पी बर्थडे प्रपाई के अलावा एक इक्वेशन भी लिखी थी जिसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आता। पूपा प्रपाई की तरफ देख स्माइल कर रहा था तो वो केक की फ़ोटो खींच लेती है और फिर सब साथ में केक के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। प्रपाई केक काटने वाली थी तो टाइम कहता है, मैं तुम्हारे लिए केक काट देता हूँ। पर जब वो केक काट रहा था तो पूपा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट टाइम तो अभी भी प्रपाई की मॉम को इम्प्रेस कर रहा था। फिर सब चीयर करके ड्रिंक करते हैं तो मॉम कहती हैं, प्रपाई तू ड्रिंक मत कर क्योंकि टल्ली होकर तू पागल हो जाती है। पर प्रपाई तो ज़िद करने लगी थी। पूपा कहता है, ये कार्ड भी लेती है। सब हैरान। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, पूपा ने प्रपाई के बर्थडे केक पर इक्वेशन लिखवाई है उसका मतलब क्या है? कमेंट्स में लिखा तो ताप बात बदलने के लिए कहता है, हाँ हाँ एक बार तो प्रपाई ने टल्ली होकर मेरे हाथ पे काट लिया था। वावा कहती है, हाँ मुझे भी। प्रपाई कहती है, मैं तो खाने के सपने ले रही थी। तो सब हंस पड़ते हैं। उसे खुश देख पूपा भी स्माइल करता है। प्रपाई कहती है, मॉम आप और भाई चले जाओ, मैं और मेरे फ्रेंड सब काम कर लेंगे। पर मॉम कहती हैं, तुम ऐसे मेहमानों से काम कैसे करवा सकती हो, तुम इस घर की ओनर हो ना। वावा प्रपाई को बाय कर जाने लगती है तो ता भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। पूपा को देख मॉम कहती हैं, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे, तुम इस घर के ओनर थोड़ी ना हो, तो प्रपाई को काम करने दो। प्रपाई पूपा को इशारे से जाने को कहती है। टाइम भी प्रपाई और उसकी मॉम को बाय कर चला जाता है। सब पूपा की तरफ देख रहे थे तो पूपा बेचारा भी धीरे धीरे बाहर खिसकने लगा था, पर प्रपाई का भाई अभी भी उसे घूर रहा था। पर पूपा घर से बाहर चला जाता है। वावा टैक्सी का वेट कर रही थी तभी ता आकर उसे लिफ्ट देने को कहता है। वो मना करती है तो वो कहता है, रात होने वाली है तो अकेले जाना डेंजरस होगा, मैं तुम्हें ऐसे फ्रेंड घर छोड़ दूंगा। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो वावा हाथ छुड़ाकर उसकी कार में बैठ जाती है। ता उसे घर छोड़ने चला जाता है। इधर प्रपाई की मॉम और उसका भाई वहाँ से जा रहे थे क्योंकि भाई को नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, वरना मॉम का तो आज रात यहीं रुकने का प्लान था। वावा कार से उठकर जाने लगी थी तो ता कहता है, अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम राइड चाहिए तो मुझे बुला लेना। वो कहती है, क्यों, क्या तुम अब ड्राइवर की जॉब करने वाले हो? वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइवर भी बन सकता हूँ, बट स्पेशल ड्राइवर जो सिर्फ तुम्हें लिफ्ट देगा। वो कहती है, नो थैंक्स, मैं खुद ही जा सकती हूँ, वैसे मुझे अकेले आने जाने की आदत है, और चली जाती है। पर ता सैड होता है। इधर प्रपाई पूपा का वेट कर रही थी। जैसे वो घर आता है वो खुश होती है, बट पूपा चुप था और जाकर बोर्ड साफ करने लगा था। वो कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें घर के बाहर रहना पड़ा, बट जबकि घर के ओनर तुम ही हो। वो कुछ नहीं बोलता तो वो सैड होती है। पर पूपा तो वही क्वेश्चंस लिखने लगा था और उसे सैड देख कहता है, इट्स ओके, अगर बात तुम्हारी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए आज काफ़ी कुछ सोचा था बट वैसा हो नहीं पाया। प्रपाई जाकर उस इक्वेशन का ऊपर वाला हिस्सा मिटा देती है जिसका मतलब बन गया था आई लव यू। वो कहता है, तुम्हें पता चल गया था? वो कहती है, तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वो पहले मुंह बनाती है पर फिर कहती है, हाँ बहुत पसंद आया। इनफैक्ट जब प्रपाई अपनी मॉम और भाई के साथ बर्थडे फोटोज देख रही थी तभी उसने केक पे लिखी इक्वेशंस का मतलब समझ लिया था कि वो आई लव यू लिखा है, तो स्माइल करती है। मॉम तो हैरान थी कि प्रपाई अपने फ़ोन को देख इतना खुश क्यों हो रही है। दोनों एक दूसरे को देख स्माइल कर रहे थे। पूपा उसका हाथ पकड़ पूछता है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्रपाई कुछ बोलती तभी उसे ता की बात याद आती है कि उसने कहा था कि प्रपाई तो पूपा को कभी नहीं समझ सकती क्योंकि उसे तो साइंस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो वो कहती है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। वो कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताओ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो कहती है, ये मेरे थॉट्स हैं, तुम मेरे बदले में कैसे सोच सकते हो? वो कहता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा। वो कहती है, तुम कहना चाहते हो कि मैं हमेशा खाने के बारे में सोचती हूँ? वो कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा आंसर क्या है? वो कहती है, मुझे भी टाइम चाहिए, क्यों ना पहले तुम मेरे इंटर्न बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुमने भी तो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। अगर तुम सही काम करोगे तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी, और अगर कुछ गलती करोगे तो मुझे तुम्हारे मार्क्स काटने होंगे। फिर अगर तुम्हारे टोटल मार्क्स मुझसे स्कॉलरशिप लेने के लिए क्वालिफाई होंगे तब तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड बन जाना। वो कहता है, ओके मुझे मंजूर है, मुझे यकीन है मेरे पूरे मार्क्स आएंगे क्योंकि बचपन में आज तक मेरे कभी भी कम मार्क्स नहीं आए,
तो मैं ये वाली स्कॉलरशिप मिस नहीं करने वाला। वैसे मैंने जो भी आज किया मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे ना? वो कहती है, हाँ 1 मार्क। और दोनों हंसने लगते हैं। पूपा प्रपाई को उसके चिक्स पे किस करके भाग जाता है। प्रपाई हैरान और कहती है, पूपा मैं तुम्हारे मार्क्स काट लूँगी, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। पर फिर बहुत खुश होती है। प्रपाई की फ्रेंड्स उसे कहती हैं, पूरी दुनिया में तेरे अलावा सबको पता है कि पूपा सिर्फ तुझे लाइक करता है। मुझे तो पहले ही लगा था कि तुम दोनों में चक्कर चल रहा है, पर तू तो उसके साथ एक ही घर में रहती है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। वैसे तूने उसके प्रपोजल का क्या रिप्लाई दिया? प्रपाई कहती है, मैंने उसे इंटर्न बॉयफ्रेंड बना लिया। वो तो ना हैरान। वो कहती है, क्योंकि मैं अभी अपनी फीलिंग्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो पहले प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। फ्रेंड्स कहती है, वैसे सही है, लड़कियों को इतनी जल्दी लड़कों को भाव नहीं देना चाहिए। फिर प्रपाई के जाते ही एक फ्रेंड दूसरे से कहती है, एक बात है, पता नहीं मुझे प्रपाई को बतानी चाहिए या नहीं, मुझे एक लड़की ने बताया था कि पूपा अपने स्कूल में काफ़ी फेमस था, तब उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो बिल्कुल उसकी तरह इंटेलिजेंट, स्मार्ट और परफेक्ट थी। और फिर उस लड़की से ब्रेकअप के बाद पूपा ने कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया। पता नहीं पूपा उस लड़की से ओवर हो पाया या नहीं। दूसरी कहती है, हमें प्रपाई को नहीं बताना चाहिए, क्या पता पूपा उस लड़की को भूल गया हो। इधर एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर फिर से प्रपाई को ही प्रोजेक्ट शूट के लिए जाने को कहता है। इस वजह से फे थोड़ा गुस्सा लग रही थी क्योंकि किसी को भी उसका काम पसंद नहीं आ रहा था, पर प्रपाई समझ आती है कि टाइम ने ही डायरेक्टर को कहा होगा। पूपा के फ्रेंड्स की हेल्प से उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो वो उन दोनों का थैंक यू करता है। बट फ्रेंड्स तो उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगे थे, तो वो कहता है, मैंने उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया, पर उसने मुझे अभी इंटर्न बॉयफ्रेंड बनाया है। फ्रेंड्स हैरान। मीना ने भी उनकी बातें सुन ली थी तो वो वहाँ से चली जाती है। पूपा का एक फ्रेंड कहता है, मीना को क्या हुआ? दूसरा फ्रेंड कहता है, उसका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो खाने चलते हैं। पूपा अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने को कहता है तो वो खुश हो जाते हैं। वावा कहीं जाने वाली थी तो ताऊ से अपनी कार में लिफ्ट देने को कहता है। वो कहती है, ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी में जा सकती हूँ। वो कहता है, मेरी कार टैक्सी से बेटर है और सेफ के साथ साथ फ्री भी है। वो कहती है, तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे एक चांस मांगना चाहता हूँ, अगर तुम चांस नहीं दोगी तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। वावा फिर भी जाने लगी थी पर ताऊ उसका बैग छीन कर अपनी कार में रख लेता है, तो वावा को भी उसकी कार में ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे टाइम की फ़ैन मीटिंग थी तो सारे फैंस बाहर उसका वेट कर रहे थे, पर जब टाइम प्रपाई से बार बार सामान मंगवाता है तो वो गुस्सा करने के बजाय काफ़ी खुश लग रही थी, इसलिए टाइम तो हैरान था कि वो उसे बहस क्यों नहीं कर रही। फिर वो अपने फ़ैन क्लब से मिलने जाता है जहाँ पे पूपा भी आया हुआ था। इनफैक्ट वो तो वहाँ प्रपाई से मिलने आया था। तो गर्ल्स कहती हैं, देखो देखो टाइम के मेल फैंस भी हैं, ये भी कितना हैंडसम है, क्योंकि टाइम काफ़ी हैंडसम है ना, तो उसे सारे गर्ल्स और बॉयज़ लाइक करते हैं। इनफैक्ट वहाँ टाइम के फ़ैन क्लब में से किसी फ़ैन को चूज़ किया जाएगा, और फिर अगर उसने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस का सही आंसर दे दिया तो उसे टाइम के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा। तो वो पूपा को टाइम के साथ स्टेज पे आने के लिए चूज़ करते हैं। पूपा वापस जाने लगा था पर प्रपाई के कहने पे वो रुक जाता है। उससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम का फेवरेट टॉय कौन सा है। पूपा कहता है, रूबिक क्यूब, जो सही जवाब था। तो टाइम कहता है, लगता तू सच में मेरा फ़ैन है। फिर टाइम और पूपा को रूबिक क्यूब सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चंस के सही सही आंसर देने होंगे, और जो भी सबसे पहले रूबिक क्यूब सॉल्व करेगा वो जीतेगा। उनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें कौन सा खाना सबसे नापसंद है। टाइम कहता है, धनिया, और पूपा कहता है, स्पाइसी। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट जगह कौन सी है, बीच या माउंटेन्स। टाइम कहता है, बीच, और पूपा कहता है, माउंटेन। और तीसरा क्वेश्चन कि उन्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद हैं, क्यूट या सेक्सी। दोनों सेम आंसर देते हैं, क्यूट। तो पूपा और टाइम एक दूसरे को घूरने लगे थे। प्रपाई को इशारा करते देख पूपा जानबूझ के रुक जाता है, जिसकी वजह से टाइम पूपा से कुछ सेकंड पहले रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेता है। अब टाइम विनर था, पर पूपा को टाइम का फ़ैन होने के नाते स्पेशल गिफ्ट मिलना था, वो भी टाइम से हग। पूपा का तो अपने लव राइवल को हग करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, पर प्रपाई उसे मिन्नतें कर रही थी तो उसे भी टाइम को हग करना पड़ता है। टाइम धीरे से कहता है, जैसे तू रूबिक क्यूब में हार गया तो ध्यान रखना वैसे ही किसी और चीज़ में भी तुझे हारी मिलेगी।
पूपा कहता है, मैं और पपाई डेट कर रहे हैं। टाइम पहले तो हैरान था, पर फिर कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम दोनों का रिलेशनशिप कब तक चलने वाला है। पूपा चला जाता है, बट कुछ फैन गर्ल्स पपाई को देख मुंह बनाने लगी थीं, क्योंकि उसी न्यूज़ की वजह से उन्हें लगता है कि पपाई ने टाइम को फंसाने की कोशिश की थी। पूपा को जाते देख टाइम का मैनेजर कहता है, तुम तो एकदम परफेक्ट लगते हो, क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो? पर पूपा उन्हें मना करने लगा था। प्रपाई जब जा रही थी तो वो फैन गर्ल्स उसे पकड़कर उसके ऊपर धनिया की टोकरी पलट देती हैं और कहती हैं, टाइम को धनिया पसंद नहीं तो अब तू भी धनिया की तरह डिस्गस्टिंग हो गई है, तो फिर से कभी भी हमारे आइडल टाइम के आसपास भी मत भटकना। प्रपाई कहती है, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी जॉब है। बट वो फैन गर्ल्स कहती हैं, झूठी कहीं की, तू हमारे टाइम को लाइक करती है ना? और प्रपाई को फिर से पकड़ लेती हैं ताकि उसके ऊपर ब्लैक वाटर डाल सकें। प्रपाई चिल्ला चिल्ला कर उन्हें मना कर रही थी। आपको क्या लगता है कि फैन गर्ल से प्रपाई को कौन बचाएगा, उसका इंटर्न बॉयफ्रेंड पूपा या फैन गर्ल्स का आइडल टाइम या फिर कोई भी नहीं? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, वरना तो नेक्स्ट पार्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।